लॉजिक देते हैं भैया, सवाल इसी बात का है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, हमने आरोप लगाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे भैया गिरफ्तार करो ना उस व्यक्ति को, सामने लाओ उस व्यक्ति को, कौन सा बीजेपी का आदमी है, गजब लॉजिक देते हो। अरे बाबा पुलिस प्रभारी है जी, एक एक सवाल अब इस पे बनता है, एक सवाल इस पे बनता है, जो पार्टी ये कहती है कि भगत सिंह हमारे आदर्श है, हम तो सच्चाई के लिए ईमानदारी के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, क्या किसी के फोन कॉल से डर के वो पार्टी ही छोड़ देगी, विचारधारा ही छोड़ देगी, रास्ता बदल देगी? ऐसे नेता हैं क्या पार्टी में? क्या ऐसा इंप्रेशन चला जाएगा आम आदमी पार्टी अगर ये एलिगेशन लगातार लगाती रही तो? देखिए रवि, हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल लोहे के बने, आपसे नहीं है, आपसे नहीं है सर, शंभुनाथ जी से है, शंभुनाथ जी से है, ये शंभुनाथ जी से है कि इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है, ये सवाल यही था, क्योंकि हो तो यही रहा दरअसल। देखिए आम आदमी जब पार्टी जब बनी थी तो बहुत सारे उन्होंने आदर्श गढ़े थे, उनमें एक ही था कि अब जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक तरफ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगती है, दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह की लगती है, तो कम से कम इन दोनों के आदर्शों पर तो चलना चाहिए। आदर्श का मतलब अगर आपको लगता है कि आपके विधायक फोड़े जा रहे हैं तो पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, हम दिल्ली मान सकते हैं कि दिल्ली में पुलिस आपकी नहीं है, हो सकता है पुलिस के अधिकारी आपकी बात ना सुनते हो, माना जा सकता है, लेकिन पंजाब में तो ऐसा संभव नहीं है, पंजाब में तो पुलिस आपकी है, तो उनको जांच करानी चाहिए अपने स्तर पर, और अगर ये आरोप है तो यहाँ बताना चाहिए पुलिस में, रिपोर्ट नहीं, अगर उनको लगता है पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो यहाँ बताएं तो सही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस को बताएं, अब इतना मीडिया इस तरह तो नहीं। अजीब बात हो गई कि आपकी सरकार की पुलिस ही आपकी रिपोर्ट ना लिखे, भाई पंजाब में FIR लॉन्च की जा सकती है, जांच की जा सकती है, कमीशन बिठाया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस बीच गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गोवा के 4 बड़े नेताओं को जारी किया है समन, ईडी ने समन जारी कर आज पेशी के लिए बुलाया है, तो गोवा में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही। और विवेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, विवेक क्या जानकारी मिल रही है, और गोवा के आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त ईडी के रडार पर नजर आ रहे हैं, क्या कनेक्शन जुड़ता दिखता है? देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता जो गोवा के हैं वो ईडी की रेडार पे है और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जिस तरह से बताया गया था कि 45 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव के दौरान गोवा में दिए गए थे, तो उसको लेकर सवाल जवाब जो है वो ईडी करना चाहती है, तो लगातार इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सूत्र बताते हैं कि पूछताछ की गई थी, लेकिन ये भी ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन्हें राजभवन कोर्ट में 6 दिन की कस्टडी के बाद पेश किया जाएगा और एक बार फिर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में बताएगी कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, इसके चलते ठीक है बिल्कुल, तो लेने हैं इसी के चलते सबकी नजरें रहेंगी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ, आपके पास भी हम लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका, जीत भाटिया हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और हमारे मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। अंदर हूं या बाहर, अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर, और ऐसे में एक बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे और यह खुलासा मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ हो सकता है, इस पर है हमारी नजर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल कोर्ट में आज बड़ा खुलासा करने वाले, और यह खुलासा वो पेशी के बाद करेंगे। यह दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही। जी हां, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक PIL पर बड़ी सुनवाई है।
पीआईएल में सीएम को पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या आज दिल्ली शराब घोटाले का सच सामने आएगा, इसी पर होगी बड़ी बहस, मेहमानों से करेंगे चर्चा भी। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी ब्रेकिंग बड़े अपडेट के साथ, कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है, केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया था, क्या होगा वो खुलासा, इस पर है निगाह। तो केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं, सुनीता केजरीवाल ने यह बात कही थी और सबकी नजरें इसी बात पर है कि क्या वो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले में कही जा सकती है। हमारी यार मारी मात 73,000 रुपए मिले तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कल जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे, आज का दिन मुकर्रर किया गया इस खुलासे के लिए, ऐसा सुनीता केजरीवाल का दावा है। रिमांड के आखिरी दिन क्या खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज कोर्ट में बड़े खुलासे की बात की गई है सुनीता केजरीवाल की तरफ से, ये खुलासा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। सुनीता का दावा, घोटाले का पैसा कहां है, इसकी जानकारी देंगे। मनी ट्रेल जिसका जिक्र लगातार ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, मुमकिन है उससे जुड़ा कोई बड़ा दावा आज सामने आए। ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल का आज 7वां दिन है। बिल्कुल, और आज रिमांड वैसे खत्म हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ईडी रिमांड खत्म होने पर केजरीवाल की पेशी होगी आज, तो अदालत की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी, तो इस पेशी पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक हम देंगे कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ है ही, जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा भी ईडी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, साथ ही हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, शंभुनाथ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते विवेक शर्मा के पास चलते हैं। विवेक, आज ईडी में क्या हलचल होगी? बात की जाए तो 6 दिन की कस्टडी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। उनको 6 दिन की 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। तो अभी ईडी ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी ईडी को सबूत मिले थे उसके आधार पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर ईडी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल विवेक, तो ईडी अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हो सकता है, जितेंद्र भाटी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है सुनीता केजरीवाल ने कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए आज जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी को तो यह बताना ही होगा कि पिछले दिनों जो रिमांड थी उनकी, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक की, उसके बीच क्या उनसे पूछताछ की गई, आगे रिमांड चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से खुलासा करेंगे, खुलासा इस बात को लेकर के है, जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद में उनसे मिलने की अनुमति उन्हें मिली थी, वो ये बताएंगे कि आखिर ये कथित घोटाला है क्या और जिस पैसे की बात की जा रही है, मनी ट्रेल की बात की जा रही है, वो पैसा कहाँ है। देखिए, जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक का, वो ये है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी शरद को लेकर के जो रेड्डी है उसको लेकर के सवाल उठाती रही है कि वो भी इस मामले में आरोपी था। उसकी तरफ से जब वो गवाह, उसके रेड पड़ी, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया और फिर वो मामले में गवाह बन जाता है और इसका फायदा उसको मिलता है, गवाही का उसको जमानत मिल जाती है, तो इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या खुलासे होंगे ये, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, कैसे कहां ये खुलासा होगा, इस पर हमारी नजर होगी। घनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। घनेन्द्र जी, ये कैसा खुलासा होने जा रहा है, ऐसा खुलासा जिसके लिए आप लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले वो गिरफ्तार हो उसके बाद आप लोग खुलासा करें?
देखिए समीर जी, ईडी की कस्टडी में अभी मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने संदेश भिजवाया है कि वो आज कोर्ट के सामने कई चीजों का खुलासा करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि 7 दिन से वो ईडी की कस्टडी में है, तो 7 दिन से हो सकता है कि ईडी की कस्टडी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको उनके नॉलेज में आई हो, कुछ ऐसी चीजें उनके जिक्र में आई हो, और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक रह गई होंगी उन सबका कोर्ट में के सामने खुलासा होगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको भी इंतजार करना चाहिए, मुझे भी इंतजार करना चाहिए, और पूरे देश को इंतजार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पहले से पता थी, ये ऐसी कोई बात होगी जो कि ईडी की 7 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पता चली है। देखिए ये भी हो सकता है, और कुछ बात अगर मान लो इस जो सो कॉल्ड एक्साइज लीकर स्कैम है इससे जुड़ी अगर कुछ बात होगी तो हमें कोर्ट तक का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। और दूसरी बात समीर जी, अभी आपके संवाददाता जितेंद्र भाटी जी ने बोला, और पिछले 3 दिन से मैं और आप कई बार चर्चा में बैठ चुके हैं, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि शरद रेड्डी से आपका रिश्ता क्या है, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलवाई? ठीक है, आपने हरीश खुराना जी 60 करोड़ रुपए लिए तो ईडी, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के सामने आपके सवाल आपने रख भी दिए, और साथ ही हरीश जी मैं भी एक सवाल कर देता हूं, आज जो खुलासा होने वाला है क्या आप लोग घबराए हुए उसे? क्योंकि वो तो साफ कह रहे कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पैसा कहां गया ये आज पता चल जाएगा। देखिए 1.5-2 साल से केस चल रहा है, पिछले 7 दिन से रिमांड पर हैं, 6 महीने से इनको सम्मन पे सम्मन आ रहे हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान तब नहीं आया कि क्या खुलासा करना है, अचानक से जब जेल में गए जेल से उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान आया और कोई खुलासा करने जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल के जरिए खुलासा नहीं कर रहे, खुद अपने जरिए अपने कोर्ट रूम में खुलासा करेंगे। कारण क्या है कि इनको लग रहा था कि इनके जेल जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेल हो चुका है, लोग उल्टा खुश हैं इनके जेल जाने से। अब चूंकि ये मीडिया में बने रहना है और अरविंद केजरीवाल जी को वहाँ पे दिखाना है कि मैं भी वहाँ पे हूँ, इसलिए वो कोर्ट रूम से करे ताकि आपका टॉकिंग पॉइंट बना रहे, पूरे दिन ये चलता रहे कि क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन सच्चाई ये है जो अभी गणेंद्र जी बोल रहे थे कि उन्होंने बोलना वही है जो पिछले 4 दिन से इनके प्रवक्ता रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं, रेड्डी रेड्डी करी जा रहे हैं। सच्चाई ये है, अभी जो कह रहे मेरा जवाब नहीं आया, ठेके तुम दो, बेनिफिट तुम दो, सब कुछ तुम करो है, और आप आरोप लगाओ कि हमने हमने रिश्वत खाई। सवाल ये है शरद चंद्र रेड्डी की जो ये बातें कर रहे हैं इनसे ये पूछिए कि उनकी बेल क्यों मिली, उनको बेल मिली थी हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर तो सत्येंद्र जैन को भी बेल मिली थी और उनका विरोध ईडी ने नहीं किया था, तो इसका मतलब कोई रिश्ता क्या कहलाता है जरा ये भी सत्येंद्र जैन से बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन ने भी कोई सेटिंग की थी क्या। इसलिए मेरा कहना है कि ये उल जुलूल बातें जो ये कर रहे हैं ना, ठीक है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनको इनके पास कोई बेस नहीं है। अगर इतना बेस है तो जाके कोर्ट में रख दे कि हमें ये भ्रम ज्ञान हमें आया था, ये कोर्ट में रखा है और कोर्ट इसका संज्ञान ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभुनाथ जी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे केस के दो पक्ष हैं, एक तो कानूनी पहलू है और एक दूसरा पब्लिक परसेप्शन, जिसके राजनीति में बड़े मायने होते हैं, वो क्या जाता नजर आ रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से लगातार अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, अब बड़े खुलासे की बात की जा रही है। देखिए एक तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जेल से निर्देश दे रहे हैं जी, उसे पब्लिक में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री लोग जेल में गए, हेमंत सोरेन जी अभी गए, इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद नहीं सरकार से इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। अभी सुनीता जी जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी बैठी हैं, और वो जबकि वो मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुई, या तो घोषित कर दिया जाए, कुछ तो करना चाहिए, तब तक बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरे अभी उन्होंने कहा है कल या परसों कि कुछ जयचंदों की वजह से मुझे मेरी गिरफ्तारी हुई, तो जयचंद कौन है ये तो उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि जयचंद का मतलब होता है कि हमारे ही घर से किसी ने गद्दारी करी है, जयचंद का यही अर्थ होता है ना, घर का भेदी। बिल्कुल, तो आखिर क्या पार्टी के लोग ही उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये उनको पहले भी बताना चाहिए था, आज वो कौन सा ऐसा खुलासा कर देंगे? और इसमें बीजेपी एक सवाल लगातार करती रही है, कल भी ये सवाल उठा था कि आपके तमाम करीबी जो हैं जेल में गए तब आपने कोई खुलासा नहीं किया, जब आप हिरासत में हैं, आप गिरफ्तार हुए हैं, तभी आपको समझ में आया कि कोई ऐसा खुलासा करना चाहिए। क्या कोई तथ्य जो उनको पता था उसको अब तक उन्होंने इसलिए रखा था कि अपनी बारी आएगी
जाएगी तब उसको खोलेंगे, ये भी एक बीजेपी सवाल उठा रही है। अब लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे। घनेन्द्र जी आप इस पर उत्तर जरूर दीजिएगा। और देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं पैम्फलेट और 31 मार्च को महारैली में आने की अपील। 31 मार्च को रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, और पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो देखिए ये पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि रामलीला में पहुंचिए, जो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ आने के लिए कहा गया है। कई लोगों ने, कई नेताओं ने इस पर समर्थन भी जताया है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी शालिनी की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे आरटीओ मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिल्ली पुलिस देखिएगा किस तरह से यहां से हटा रही, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ से लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहाँ से हटाया है, बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, सबको यहाँ से ले जाने के लिए यहाँ से सबको उठाया गया है। जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे आईटीओ के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पर, और ये पंपलेट बांट रहे थे लोगों के बीच में। महारैली जो होनी है 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, उसको पंपलेट बांट रहे थे वो, और ये जो अपना बैनर नुमाई पहन कर आए थे जिसमें लिखा हुआ था मैं भी केजरीवाल। और आप देखिए दिल्ली विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से गिरफ्तार कर रही है, इनको यहाँ से हटा रही है। देखिएगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ किस तरह से दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से हटा रही है। ये देखिए कैसे यहाँ पर हम जिंदाबाद लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। यहाँ पर जब कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है वो तस्वीरें देखिए, और यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली पुलिस जो है उनको गाड़ी में ले गए कुछ लोगों को, और ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कैसे लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो तस्वीरें देखिए आप, वो तस्वीर देखिए लेकर जा रही है, और लोग कार्यकर्ता जो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और उधर तम जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, सबको दिल्ली पुलिस यहाँ से हटा रही है। और ये जो महिला कार्यकर्ता थी वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुँची है और उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये आईटीओ मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 2 जहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे। और देखिए बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का कहना है कि घोटालों के बाद आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता जीरो हो चुकी है। तो वहीं आप नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, इनकी विश्वसनीयता जीरो हो गई है। बचा ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, क्यों मुनाफाखोरी हुई, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें इजाज़त दी गई, क्यों नए नए जोन्स खोले गए, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। वो पुराना शेर है ना, तो इधर उधर की बात ना कर, तो बता कि कारवां क्यों लुटा। साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पोलिटिकली मोटिवेटेड और मैलाफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। तो बयानों का दौर लगातार चल रहा है। घनेन्द्र जी सवाल आपसे ही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह के सरकार चलाएंगे, ये आप लोगों ने स्टैंड लिया, ये किस आधार पे लिया, क्योंकि इसको लेकर एक चुनौती भी दी गई है। क्या दिल्ली के लोगों, दिल्ली के हित में नहीं होता कि फिलहाल कोई एक्टिंग सीएम बना दिया जाता, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई ऐसी आप लोग तैयार हैं कोई नया सीएम ढूंढने के लिए, क्या तरीका होगा उसका? देखिए रवि, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल दिल्ली की सरकार चलाने का मैंडेट दिया, और बहुत मजबूत मैंडेट है। 70 में से 62 सीटें दी थी दिल्ली के लोगों ने, और कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार 5 साल चलाएंगे।
अब ये भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए लगा के रोज देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है। नहीं, ये बात आप देखिए, ये बात हमारे कार्यक्रम में आप जब भी आते हैं यही बात कहते हैं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है कि भाई दिल्ली को एक एक्टिव सीएम चाहिए जो बाहर रहे, जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे। अगर केजरीवाल जेल में है तो बाहर जो सरकार है वो ठीक से कैसे फंक्शन करेगी? इसका क्या फॉर्मूला या क्या मैजिक है आप लोगों के पास? दुनिया में हमने अभी तक नहीं देखा, आप इसको कैसे करने जा रहे हैं? रवि, पहली बात तो केजरीवाल जी जेल में नहीं है, केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है, ठीक है। और दूसरी बात, चलिए, देश में संविधान में कानून में कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। सर, बात केजरीवाल की नहीं है, बात है दिल्ली की जनता की, उनके हितों की। वो मुख्यमंत्री जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे या कानूनी तौर से। रवि, अरविंद केजरीवाल जी जितने बाहर खतरनाक थे उससे ज्यादा कई खतरनाक वो ईडी की कस्टडी में। ईडी की ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जितने खतरनाक बाहर नहीं थे उतने खतरनाक अंदर हैं। समझ रहे हैं हरीश खुराना साहब, इसका मतलब क्या है? और बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई कानून में पूरी छूट है, जब तक वो दोषी नहीं साबित हो जाते तब तक वो जेल से सरकार चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली के एलजी का एक बहुत सधा हुआ बयान हमने सुना जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने दी जाएगी, इसका क्या मतलब है हरीश जी? समीर, टेक्निकली आप कह सकते हो कि वो सरकार चला सकते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखिए ये फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बार बार कई दस्तावेज जो होते हैं वो थोड़े सीक्रेट दस्तावेज होते हैं जो सीएम को एक्सेस होते हैं। अब बिना दिखाए हुए, बिना जेल अथॉरिटीज को दिखाए हुए या ईडी के अथॉरिटीज को दिखाए हुए आप सीएम के आगे नहीं रख सकते। वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। लेकिन सवाल एक दूसरा भी उठता है, नहीं ये बात अलग है ना हरीश जी थोड़ा सा इसी पर बात कर लें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिल्ली के एलजी कह रहे हैं जेल से नहीं चलने दी जाएगी दिल्ली की सरकार, इसका क्या मतलब है? क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए समीर भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था, दो चीजें इसके अंदर एस्पेक्ट में, एलजी की बात पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं याद करिए ये लोग क्या कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे ना तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, उसके बाद जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद पे आई तो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, ये है इन लोगों की वो। और एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मेरे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपने पिताजी का, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, पांच 3 लाख रुपए का आरोप लगा था उनके ऊपर हवाला के जरिए, जो 3 लाख रुपए का आरोप, मिनट से पहले ठोकर मार दी थी सीएमशिप को। इसलिए ये ज्ञान जो देते ना बहुत इतना आसान नहीं होता सीएम को रिजाइन करना। ये उदाहरण अब जो एलजी साहब ने हमने कही, देखिए वही मेरा कहना है, एलजी साहब इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक भी है दिल्ली के, वो एश्योर करेंगे कि कहीं कोई, ये बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में है, वो बेहतर उत्तर बता पाएंगे। सर, जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर पद लेता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये पद और गोपनीयता की शपथ है, ये साफ साफ है। तो शंभुनाथ जी, अगर जेल से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जेल के मैनुअल के हिसाब से वो चेक होंगे, क्या संविधान में उस शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? और ऐसी स्थिति में संविधान में शपथ के प्रावधान की रक्षा करना किसका दायित्व है? रवि, निश्चित तौर पर यह संविधान का उल्लंघन ही माना जाएगा। अब कितना कहा जाए कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार चलाने का कोई निषेध है, लेकिन इसके पहले एक लोकतंत्र में कुछ उदाहरण भी होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। इसके पहले बिहार में लालू जी जब जेल गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, उसी तरह अभी हेमंत सोरेन जी जब ईडी के ग्रुप में गिरफ्तार किए गए तब भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था और एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ था। आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत है, उसका एक विधायक दल है, तो क्यों ना बेहतर रहे कि बजाय सुनीता जी जिस तरह उन्हें निर्देश दें कि आम आदमी पार्टी अपने विधायक मंडल से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे और वो फैसला करे। नहीं तो आपने आपने सुना ना घनेन्द्र जी को दो बातें कही कि चलेगी सरकार जेल से ही और जेल में और ज्यादा खतरनाक है। नहीं तो ये स्टैंड क्या बताता है? ये राजनीतिक समझ बताता है, ये लोकतांत्रिक पैटर्न बताता है या कुछ और बता रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये और खतरनाक है, जितना खतरनाक वो बता रहे, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा खतरनाक है कि दिल्ली की जनता का जो मुख्यमंत्री सरकार चुनी उसका ही उल्लंघन है कि आप अपनी सरकार के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर रहे, क्यों ना किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सुनीता जी के बजाय किसी को और को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाए। सुनीता जी तो अभी या तो घोषित कर
कर दें कि सुनीता जी मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक है, वही मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अभी तक ऐसी ना कोई घोषणा है ना इसके आसार जताए गए हैं पार्टी के किसी नेता की तरफ से। सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी करती हैं और बताती हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है। अब एक और अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की तरफ से दरअसल एक बड़ा दावा किया गया। आम आदमी पार्टी विधायकों को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल। विधायकों को कहा जा रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, विधायकों को धमकी, नहीं आए तो खैर नहीं, बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है, ये कहा गया है संदीप पाठक की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी जब जब इस तरह के आरोप लगे जितेंद्र, बीजेपी ने कहा सबूत दीजिए। इट्स मोटिवेटेड। जी हां, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर। और ऐसे में एक बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे और यह खुलासा मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस पर है हमारी नजर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल कोर्ट में आज बड़ा खुलासा करने वाले और यह खुलासा वो पेशी के बाद करेंगे। ये दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही। जी हां, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पीआईएल पर बड़ी सुनवाई है। पीआईएल में सीएम को पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या आज दिल्ली शराब घोटाले का सच सामने आएगा। इसी पर होगी बड़ी बहस, मेहमानों से करेंगे चर्चा भी। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी ब्रेकिंग, बड़े अपडेट के साथ। कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया था, क्या होगा वो खुलासा, इस पर है निगाह। तो केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल ने यह बात कही थी और सबकी नजरें इसी बात पर है कि क्या वो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले में कही जा सकती है। हमारी यार रेगमारी मात 73,000 रुपए मिले तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कल जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे। आज का दिन मुकर्रर किया गया इस खुलासे के लिए, ऐसा सुनीता केजरीवाल का दावा है। रिमांड के आखिरी दिन क्या खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज कोर्ट में बड़े खुलासे की बात की गई है सुनीता केजरीवाल की तरफ से। ये खुलासा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। सुनीता का दावा, घोटाले का पैसा कहां है, इसकी जानकारी देंगे। मनी ट्रेल जिसका जिक्र लगातार ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, मुमकिन है उससे जुड़ा कोई बड़ा दावा आज सामने आए। ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल का आज सातवां दिन है। बिल्कुल, और आज रिमांड वैसे खत्म हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ईडी रिमांड खत्म होने पर केजरीवाल की पेशी होगी आज, तो अदालत की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी, तो इस पेशी पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक हम देंगे कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ है ही, जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा भी ईडी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, साथ ही हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, शंभुनाथ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं, विवेक शर्मा के पास चलते हैं। आज ईडी में क्या हलचल होगी?
बात की जाए तो 6 दिन की कस्टडी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को रावजवनी कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। उनको 6 दिन की 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख को रावजवनी कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। तो अभी ईडी ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी ईडी को सबूत मिले थे उसके आधार पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर ईडी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल विवेक, तो ईडी अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हो सकता है, जितेंद्र भाटी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है सुनीता केजरीवाल ने कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? बिल्कुल देखिए, आज जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी को तो ये बताना ही होगा कि पिछले दिनों जो रिमांड थी उनकी, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक की, उसके बीच क्या उनसे पूछताछ की गई, आगे रिमांड चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से खुलासा करेंगे, खुलासा इस बात को लेकर के है जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद में उनसे मिलने की अनुमति उन्हें मिली थी, वो ये बताएंगे कि आखिर ये कथित घोटाला है क्या और जिस पैसे की बात की जा रही है, मनी ट्रेल की बात की जा रही है, वो पैसा कहाँ है। देखिए, जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक का, वो ये है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी शरद को लेकर के जो रेडी है उसको लेकर के सवाल उठाती रही है कि वो भी इस मामले में आरोपी था, उसकी तरफ से जब वो गवाह, उसके रेड पड़ी, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया और फिर वो मामले में गवाह बन जाता है और इसका फायदा उसको मिलता है, गवाही का उसको जमानत मिल जाती है, तो इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या खुलासे होंगे, ये इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, कैसे कहां ये खुलासा होगा, इस पर हमारी नजर होगी। घनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। घनेन्द्र जी, ये कैसा खुलासा होने जा रहा है, ऐसा खुलासा जिसके लिए आप लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले वो गिरफ्तार हो उसके बाद आप लोग खुलासा करें? देखिए समीर जी, ईडी की कस्टडी में अभी मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने संदेश भिजवाया कि वो आज कोर्ट के सामने कई चीजों का खुलासा करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि 7 दिन से वो ईडी की कस्टडी में है, तो 7 दिन से हो सकता है कि ईडी की कस्टडी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको उनके नॉलेज में आई हो, कुछ ऐसी चीजें उनके जिक्र में आई हो और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक रह गई होंगी उन सबका कोर्ट में के सामने खुलासा होगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको भी इंतजार करना चाहिए, मुझे भी इंतजार करना चाहिए और पूरे देश को इंतजार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पहले से पता थी, ये ऐसी कोई बात होगी जो कि ईडी की 7 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पता चली है? देखिए, ये भी हो सकता है और कुछ बात अगर मान लो इस जो सो कॉल्ड एक्साइज लीकर स्कैम है इससे जुड़ी अगर कुछ बात होगी तो हमें कोर्ट तक का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। और दूसरी बात समीर जी, अभी आपके संवाददाता जितेंद्र भाटी जी ने बोला और पिछले 3 दिन से मैं और आप कई बार चर्चा में बैठ चुके हैं, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि शरद रेड्डी से आपका रिश्ता क्या है, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलवाई? ठीक है, आपने हरीश खुराना जी 60 करोड़ रुपए लिए तो ईडी, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के सामने आपके सवाल आपने रख भी दिए और साथ ही हरीश जी मैं भी एक सवाल कर देता हूं, आज जो खुलासा होने वाला है क्या आप लोग घबराए हुए उसे, क्योंकि वो तो साफ कह रहे कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पैसा कहां गया ये आज पता चल जाएगा। देखिए, 1.5-2 साल से केस चल रहा है, पिछले 7 दिन से रिमांड पर हैं, 6 महीने से इनको सम्मन पे सम्मन आ रहे हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान तब नहीं आया कि क्या खुलासा करना है, अचानक से जब जेल में गए जेल से उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान आया और कोई खुलासा करने जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल के जरिए खुलासा नहीं कर रहे, खुद अपने जरिए अपने कोर्ट रूम में खुलासा करेंगे। कारण क्या है कि इनको लग रहा था कि इनके जेल जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेल हो चुका है, लोग उल्टा खुश हैं इनके जेल जाने से। अब चूंकि ये मीडिया में बने रहना है और अरविंद केजरीवाल जी को वहां पे दिखाना है कि मैं भी वहां पे हूँ, इसलिए वो कोर्ट रूम से कर रहे ताकि आपका टॉकिंग पॉइंट बना रहे, पूरे दिन ये चलता रहे कि क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन सच्चाई ये है जो अभी गणेन्द्र जी बोल रहे थे कि उन्होंने बोलना वही है जो पिछले 4 दिन से इनके प्रवक्ता रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं, रेड्डी रेड्डी भी करी जा रहे हैं। सच्चाई ये है, अभी जो कह रहे मेरा जवाब नहीं आया, ठेके तुम दो, बेनिफिट तुम दो, सब कुछ तुम करो हैं और आप आरोप लगाओ कि हमने रिश्वत खाई। सवाल ये है, शरदचंद्र रेड्डी की जो ये बातें कर रहे हैं इनसे ये पूछिए कि उनकी बेल क्यों मिली, उनको बेल मिली थी हेल्थ ग्राउंड के ऊपर,
हेल्थ ग्राउंड के ऊपर तो सत्येंद्र जैन को भी मेल मिली थी और उसका विरोध ईडी ने नहीं किया था, तो इसका मतलब कोई रिश्ता क्या कहलाता है जरा ये भी सत्येंद्र जैन से बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन ने भी कोई सेटिंग की थी क्या। इसलिए मेरा कहना है कि ये फूल जुलूल बातें जो ये कर रहे हैं ना, ठीक है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनको इनके पास कोई बेस नहीं है। अगर इतना बेस है तो जाके कोर्ट में रख दे कि हमें ये भ्रम ज्ञान हमें आया था, ये कोर्ट में रखा है और कोर्ट इसका संज्ञान ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। शंभूनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभूनाथ जी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे केस के दो पक्ष हैं, एक तो कानूनी पहलू है और एक दूसरा पब्लिक परसेप्शन, जिसके राजनीति में बड़े मायने होते हैं, वो क्या जाता नजर आ रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से लगातार अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, अब बड़े खुलासे की बात की जा रही। देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जेल से निर्देश दे रहे हैं उसे पब्लिक में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री लोग जेल में गए, हेमंत सोरेन जी अभी गए, इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद तो नहीं सरकार से इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। अभी सुनीता जी जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी बैठी हैं, और वो जबकि वो मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुई, या तो घोषित कर दिया जाए, कुछ तो करना चाहिए, तब तक बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरे, अभी उन्होंने कहा है कल या परसों कि कुछ जयचंदों की वजह से मुझे मेरी गिरफ्तारी हुई, तो जयचंद कौन है ये तो उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि जयचंद का मतलब होता है कि हमारे ही घर से किसी ने गद्दारी करी है, जयचंद का यही अर्थ होता है ना, घर का भेदी। बिल्कुल, तो आखिर क्या पार्टी के लोग ही उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये उनको पहले भी बताना चाहिए था, आज वो कौन सा ऐसा खुलासा कर देंगे? और इसमें बीजेपी एक सवाल लगातार करती रही है, कल भी ये सवाल उठा था कि आपके तमाम करीबी जो हैं जेल में गए, तब आपने कोई खुलासा नहीं किया, जब आप हिरासत में हैं, आप गिरफ्तार हुए हैं, तभी आपको समझ में आया कि कोई ऐसा खुलासा करना चाहिए। क्या कोई तथ्य जो उनको पता था उसको अब तक उन्होंने इसलिए रखा था कि अपनी बारी आएगी तब उसको खोलेंगे? यह भी एक बीजेपी सवाल उठा रही है, अब लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे। घनेन्द्र जी, आप इस पर उत्तर जरूर दीजिएगा। और देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं पैम्फलेट और 31 मार्च को महारैली में आने की अपील। 31 मार्च को रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, और पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो देखिए, ये पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि रामलीला में पहुंचिए, जो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ आने के लिए कहा गया है, कई नेताओं ने इसमें समर्थन भी जताया है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी शालिनी की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे आरटीओ मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिल्ली पुलिस देखिएगा किस तरह से यहां से हटा रही, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहां से लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहां से हटाया है, बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, सबको यहां से ले जाने के लिए यहां से सबको उठाया गया है। जहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आईटीओ प्रदर्शन कर रहे थे आईटीओ के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पर, और ये पंपलेट बांट रहे थे लोगों के बीच में। महारैली जो होनी है 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, उसको पंपलेट बांट रहे थे वो, और ये जो अपना बैनर नुमा पहनकर आए थे जिसमें लिखा हुआ था मैं भी केजरीवाल। और आप देखिए दिल्ली विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, दिल्ली पुलिस इनको यहां से गिरफ्तार कर रही, इनको यहां से हटा रही है। देखिएगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ किस तरह से दिल्ली पुलिस इनको यहां से हटा रही है। ये देखिए कैसे यहां पर हम जिंदाबाद लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। यहाँ पर जब कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है, वो तस्वीरें देखिए, और यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली पुलिस जो है उनको गाड़ी में ले गए कुछ लोगों को, और ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कैसे लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो तस्वीरें देखिए आप, वो तस्वीर देखिए लेकर जा रही है, और लोग कार्यकर्ता जो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और उधर तम जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, सबको दिल्ली पुलिस यहाँ से हटा रही है। और ये जो महिला कार्यकर्ता थी वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुँची है और उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये आईटीओ मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 2, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे। हाँ।
और देखिए बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का कहना है कि घोटालों के बाद आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता जीरो हो चुकी है। तो वहीं आप नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इनकी विश्वसनीयता जीरो हो गई है, बचाए ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया, 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, क्यों मुनाफाखोरी हुई, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें इजाज़त दी गई, क्यों नए नए जोन्स खोले गए, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। वो पुराना शेर है ना, तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता कि कारवां क्यों लुटा। साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलाफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। तो बयानों का दौर लगातार चल रहा है। घनेंद्र जी, सवाल आपसे ही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह के सरकार चलाएंगे, ये आप लोगों ने एक स्टैंड लिया, ये किस आधार पे लिया? क्योंकि इसको लेकर एक चुनौती भी दी गई है। क्या दिल्ली के लोगों, दिल्ली के हित में नहीं होता कि फिलहाल कोई एक्टिंग सीएम बना दिया जाता? और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई ऐसी, आप लोग तैयार हैं कोई नया सीएम ढूंढने के लिए? क्या तरीका होगा उसका? देखिए रवि, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल दिल्ली की सरकार चलाने का मैंडेट दिया और बहुत मजबूत मैंडेट है। 70 में से 62 सीटें दी थी दिल्ली के लोगों ने और कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार 5 साल चलाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए लगा के रोज देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है। नहीं, रोज ये बात आप देखिए, ये बात हमारे कार्यक्रम में आप जब भी आते हैं यही बात कहते हैं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है कि भाई दिल्ली को एक एक्टिव सीएम चाहिए। संविधान में कानून में कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। सर, बात केजरीवाल की नहीं है, बात है दिल्ली की जनता की, उनके हितों की। वो मुख्यमंत्री जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे या कानूनी तौर से। रवि, अरविंद केजरीवाल जी जितने बाहर खतरनाक थे उससे ज्यादा कई खतरनाक वो ईडी की कस्टडी में। ईडी की, ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जितने खतरनाक बाहर नहीं थे उतने खतरनाक अंदर हैं। समझ रहे हैं हरीश खुराना साहब, इसका मतलब क्या है? और बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई कानून में पूरी छूट है, जब तक वो दोषी नहीं साबित हो जाते तब तक वो जेल से सरकार चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली के एलजी का एक बहुत सधा हुआ बयान हमने सुना जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने दी जाएगी, इसका क्या मतलब है हरीश जी? समीर, टेक्निकली आप कह सकते हो कि वो सरकार चला सकते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखिए ये फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बार बार कई दस्तावेज जो होते हैं वो थोड़े सीक्रेट दस्तावेज होते हैं जो सीएम को एक्सेस होते हैं। अब बिना दिखाए हुए, बिना जेल अथॉरिटीज को दिखाए हुए या ईडी के अथॉरिटीज को दिखाए हुए आप सीएम के आगे नहीं रख सकते। वो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। लेकिन सवाल एक दूसरा भी उठता है। नहीं, ये बात अलग है ना हरीश जी, थोड़ा सा इसी पर बात कर लें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिल्ली के एलजी कह रहे हैं जेल से नहीं चलने दी जाएगी दिल्ली की सरकार, इसका क्या मतलब है? क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए समीर भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था। दो चीजें इसके अंदर एस्पेक्ट में, एलजी की बात पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं याद करिए ये लोग क्या कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे ना तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, उसके बाद जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद पे आई तो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, ये है इन लोगों की वो। और एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने पिताजी का, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, 3 लाख रुपए का आरोप लगा था उनके ऊपर हवाला के जरिए, जो 3 लाख रुपए का आरोप, मिनट से पहले ठोकर मार दी थी सीएमशिप को। इसलिए ये ज्ञान जो देते ना बहुत इतना आसान नहीं होता सीएम को रिजाइन करना। ये उदाहरण, अब जो एलजी साहब ने हमने कही, देखिए वही मेरा कहना है, एलजी साहब इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक भी है दिल्ली के, वो एश्योर करेंगे कि कहीं ये बहुत एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो बेहतर उत्तर बता पाएंगे। सर, जब एक मुख्यमंत्री
संविधान की शपथ लेकर पद लेता है तो उसमें लिखा रहता है कि यह पद और गोपनीयता की शपथ है, यह साफ साफ है। तो शंभुनाथ जी, अगर जेल से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, जेल के मैनुअल के हिसाब से वो चेक होंगे, क्या संविधान में उस शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? ऐसी स्थिति में संविधान में शपथ के प्रावधान की रक्षा करना किसका दायित्व है? रवि, निश्चित तौर पे ये संविधान का उल्लंघन ही माना जाएगा। अब कितना कहा जाए कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार चलाने का कोई निषेध है, लेकिन इसके पहले एक लोकतंत्र में कुछ उदाहरण भी होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। इसके पहले बिहार में लालू जी जब जेल गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, उसी तरह अभी हेमंत सोरेन जी जब ईडी के गिरफ्तार किए गए तब भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था और एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ था। आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत है, उसका एक विधायक दल है, तो क्यों ना बेहतर रहे कि बजाय सुनीता जी जिस तरह उन्हें निर्देश दें कि आम आदमी पार्टी अपने विधायक मंडल से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे और वो फैसला करे। नहीं तो आपने आपने सुना ना घनेन्द्र जी को दो बातें कही कि चलेगी सरकार जेल से ही और जेल में और ज्यादा खतरनाक है। नहीं तो ये स्टैंड क्या बताता है? ये राजनीतिक समझ बताता है, ये लोकतांत्रिक पैटर्न बताता है या कुछ और बता रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये और खतरनाक है, जितना खतरनाक वो बता रहे हैं मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा खतरनाक है कि दिल्ली की जनता का जो मुख्यमंत्री सरकार चुनी उसका ही उल्लंघन है कि आप अपनी सरकार के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर रहे। क्यों ना किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सुनीता जी के बजाय किसी को और को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाए। सुनीता जी तो अभी या तो घोषित कर दें कि सुनीता जी मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक है, वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तक ऐसी ना कोई घोषणा है ना इसके आसार जताए गए हैं पार्टी के किसी नेता की तरफ से। सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी करती हैं और बताती हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है। अब एक और अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की तरफ से दरअसल एक बड़ा दावा किया गया है। आम आदमी पार्टी विधायकों को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल। विधायकों को कहा जा रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, विधायकों को धमकी, नहीं आए तो खैर नहीं, बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है, ये कहा गया है संदीप पाठक की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी जब जब इस तरह के आरोप लगे जितेंद्र, बीजेपी ने कहा सबूत दीजिए, इस बार सबूतों के साथ आरोप लगाने वाली है पार्टी, ये माना जाए क्या? बिल्कुल, देखिए इस तरह से पहले भी है और एक बार इस मामले को लेकर सबूत रखे गए थे, लेकिन बहुत शुरुआत की बात है, लेकिन बाद में जो है सिर्फ बयान आए। अगर मैं बात करूं कल भी, देखिए आम आदमी पार्टी के जो तीन विधायक हैं पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है, और उसके ठीक थोड़ी देर बाद खबर यह आई कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, साथ एक विधायक ने भी ज्वाइन कर ली। अब जो संदीप पाठक हैं आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं और साथ ही संगठन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया कि ऐसे बहुत सारे विधायकों को कॉल्स आ रही हैं, उन्हें धमकाया भी जा रहा है, उन्हें प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है कि आप आइए आपको सब कुछ मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप पहले भी लगाती रही है और देखिए वो आरोप फिर से एक बार सामने आ रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश खुराना जी, इस पर एक रिएक्शन आपका, आखिर ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का फायदा आपकी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, इस पर जवाब भाई। समीर भाई, आम आदमी पार्टी के लोग रोज उठते हैं, सुबह उठते हैं और एक नई मनोहर कहानियां गढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मनोहर कहानियां बोलूंगा, पिछले 3-4 बार से बोल चुके हैं कि ऑपरेशन लूटस हो रहा है, ऑपरेशन लूट हो रहा है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं दिया। हमने तो उल्टा पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन भी की थी, याद करिए पुलिस कमिश्नर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे और कंप्लेन भी की थी कि नाम बताएं, ऐसा झूठा आरोप मत लगाएं, हिम्मत है तो नाम बताइए, किसका फोन आया था, किसको फोन किया, किसने फोन किया, जरा बताएं, लेकिन ये बता नहीं पाए। सवाल यही उठता है कि प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं असलियत क्या, असलियत ये था कि इनको लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि अगर केजरीवाल अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी सिंपैथी मिलेगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इसी का मैं एग्जांपल 10 सेकंड और कल यादव सौरभ यादव ने कहा था कि मेरी आम आदमी अरविंद केजरीवाल की आज्ञा सड़कों पर, और जो हम सेशन बुला रहे हैं, क्या हुआ, 2.5 मिनट के अंदर सेशन खत्म कर दिया। ठीक है, कहां गई वो आज्ञा, ठीक है, कहां गई अरविंद केजरीवाल की आज्ञा। घनेन्द्र जी,
धनेन्द्र जी, आम आदमी पार्टी के विधायक इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। धनेन्द्र जी अपने कार्यक्रम के माध्यम से समीर 10 सेकंड और दीजिए, मैं जो पूरी कंप्लीट करने, ठीक है, करी करी आपने नोटिस किए, कल आपने नोटिस किया होगा, इनके 62 MLA हैं और जो विधानसभा के अंदर जब सेशन हुआ था 42 MLA थे सिर्फ 42, 20 कहां चले गए। इनको यही प्रॉब्लम है कि कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो इधर उधर ना भागने, सिर्फ यही प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। घनेन्द्र जी, TV9 भारतवर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह अवसर देता है, उन लोगों के नाम बताइए जो आपके विधायकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं तो एकदम खुला आपको अवसर दे रहा हूं, आप पूरे देश को बताइए ना, अभी बता दीजिए किस्सा खत्म हो जाएगा, ये लाजवाब हो जाएंगे। रवि मुझे आप 60 सेकंड दो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ जेल से सरकार कैसे चलेगी वो थ्योरी बताता हूँ। इस देश में सर मेरे सवाल का पहले उत्तर दीजिए, उसका दे लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि ये बड़ा गंभीर आरोप है कि फोन कॉल करके धमकी दी जा रही है, आप एकदम अपॉर्चुनिटी है, आप ये मत कहिए कि आपको मौका नहीं मिला, बताइए नाम TV9 भारतवर्ष को। कल हमारे पंजाब के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम और टेलीफोन नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर करे हैं। अब भारत की सरकार इनकी एजेंसीज को उसकी जांच करनी चाहिए कि किसके नंबर है, किसने कॉल करा, कब कॉल करा, उन्होंने तो नंबर और नाम दोनों उजागर कर दिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंजाब में आपकी सरकार है, आप जांच करा रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, आपने जांच कराई उसकी? मैं कह रहा हूँ और उसके तुरंत बाद उसका इफेक्ट देखने को मिला ऑपरेशन लोटस का, हमारे MLA और सिटिंग MP को BJP ने तोड़ दिया, वो चले गए 25 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में, उसका एग्जाम्पल तुरंत सामने आ गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 5 मिनट बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सच्चाई सामने आ गई। हरी जी उत्तर दीजिए, हरी जी उत्तर दीजिए, चला गया ऑपरेशन हो गया। हरी जी का उत्तर सुन लीजिए, गजब लॉजिक है। देखिए पंजाब कह रहे हमें नाम दिए, हमने भाई पंजाब में सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारे पास, CID तुम्हारे पास, अरे जाके गिरफ्तार करो ना। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला यार, मैंने अरे सब जांच में चाहिए होते ना, हर बार तुम्हें चाहिए होते हर बार, अब सबूत दे दिया। नहीं हरीश जी एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही जा रही है कि पंजाब में कल आम आदमी पार्टी के एक विधायक एक सांसद ने आपकी पार्टी यानी BJP ज्वाइन की है। घनेन्द्र जी कह रहे हैं उन्हें खरीदा गया है। ये कहते रहो नो मनोहर कहानियां गढ़ रहे हैं, खरीदा गया उनसे पूछ लीजिए कितने में खरीदा। सवाल ये है कि इनके सामने बताऊं मैं क्या, इनके लोग बताऊं मैं क्या, जवाब तो देने दीजिए ना उनको। अरे भाई हमारे एक MPA तोड़ के चला गया, इनके पास 25 करोड़ बोला। ठीक है, आपके आरोप सुन लिए हमने, समझ में आ गए सबके, हरीश जी उसी का जवाब दे रहे थे। जी हरीश जी, धनेन्द्र जी का हालत देखिए, इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं कि इनके विधायक बिकाऊंगे, मतलब जो व्यक्ति इनके साथ है मतलब वो कह रहे हैं कि बिकाऊंगे ले जाओ। गजब लॉजिक है यार, थोड़ा सोचा करियो क्या बोल रहे हो, कि जब तक तुम्हारे साथ थे 25 करोड़ बिक गए वो, बस ऐसे लोगों को तुम्हें रखा हुआ था। गजब लॉजिक देते हैं, मुझे सवाल इसी बात का है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं हमने आरोप लगाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे भैया गिरफ्तार करो ना उस व्यक्ति को, सामने लाओ उस व्यक्ति को, कौन सा BJP का आदमी है, गजब लॉजिक देते हो। अरे बाबा पुलिस तुम्हारी है ना जी, एक सवाल अब इस पे बनता है, जो पार्टी ये कहती है कि भगत सिंह हमारे आदर्श है, हम तो सच्चाई के लिए ईमानदारी के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, क्या किसी के फोन कॉल से डर के वो पार्टी ही छोड़ देगी, विचारधारा ही छोड़ देगी, रास्ता बदल देगी? ऐसे नेता हैं क्या पार्टी में? क्या ऐसा इंप्रेशन चला जाएगा आम आदमी पार्टी अगर ये एलिगेशन लगातार लगाती रही तो? देखिए रवि, हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल लोहे के आपसे नहीं है, आपसे नहीं है सर, शंभुनाथ जी से है कि इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है, ये सवाल यही था, क्योंकि हो तो यही रहा है दरअसल। देखिए आम आदमी जब पार्टी जब बनी थी तो बहुत सारे उन्होंने आदर्श गढ़े थे, उनमें एक ही था कि अब जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक तरफ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगती है, दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह की लगती है, तो कम से कम इन दोनों के आदर्शों पर तो चलना चाहिए। आदर्श का मतलब अगर आपको लगता है कि आपके विधायक फोड़े जा रहे हैं तो पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, हम दिल्ली में मान सकते हैं कि दिल्ली में पुलिस आपकी नहीं है, हो सकता है पुलिस के अधिकारी आपकी बात ना सुनते हो, माना जा सकता है, लेकिन पंजाब में तो ऐसा संभव नहीं है, पंजाब में तो पुलिस आपकी है, तो उनको जांच करानी चाहिए अपने स्तर पर, और अगर ये आरोप है तो यहाँ बताना चाहिए पुलिस में, रिपोर्ट नहीं, अगर उनको लगता है पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो यहाँ बताएं तो सही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस को बताएं, अब इतना मीडिया इस तरह नहीं। अजीब बात हो गई कि आपकी सरकार की पुलिस ही आपकी रिपोर्ट ना लिखे, भाई पंजाब में FIR लॉन्च की जा सकती है, कमीशन बिठाया जा सकता है, बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस बीच गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गोवा के 4 बड़े नेताओं को जारी किया है समन। ईडी ने समन जारी कर आज पेशी के लिए बुलाया है। तो गोवा में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही। और विवेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है और गोवा के आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त ईडी के रडार पर नजर आ रहे हैं, क्या कनेक्शन जुड़ता दिखता है? देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता जो गोवा के हैं वो ईडी की रेडार पे है और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जिस तरह से बताया गया था कि 45 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव के दौरान गोवा में दिए गए थे, तो उसको लेकर सवाल जवाब जो है वो ईडी करना चाहती है। तो लगातार इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सूत्र बताते हैं कि पूछताछ की गई थी, लेकिन ये भी ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन्हें राजभवनी कोर्ट में 6 दिन की कस्टडी के बाद पेश किया जाएगा और एक बार फिर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में बताएगी कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, इसके चलते ठीक है बिल्कुल। तो लेने हैं इसी के चलते सबकी नजरें रहेंगी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ। आपके पास भी हम लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका, जीत भाटिया हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और हमारे मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। अंदर हूं या बाहर, अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर, और ऐसे में एक बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे और यह खुलासा मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस पर है हमारी नजर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की नजर राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल कोर्ट में आज बड़ा खुलासा करने वाले और यह खुलासा वो पेशी के बाद करेंगे। यह दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही। जी हां, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक PIL पर बड़ी सुनवाई है। PIL में CM को पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या आज दिल्ली शराब घोटाले का सच सामने आएगा, इसी पर होगी बड़ी बहस। मेहमानों से करेंगे चर्चा भी, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी ब्रेकिंग बड़े अपडेट के साथ। कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया था, क्या होगा वो खुलासा, इस पर है निगाह। तो केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल ने यह बात कही थी और सबकी नजरें इसी बात पर है कि क्या वो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले में कही जा सकती है। हमारे यहां रेड मारी, मात 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो देखिए सुनीता केजरीवाल की तरफ से कल जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे। आज का दिन मुकर्रर किया गया इस खुलासे
के लिए, ऐसा सुनीता केजरीवाल का दावा है। रिमांड के आखिरी दिन क्या खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज कोर्ट में बड़े खुलासे की बात की गई है सुनीता केजरीवाल की तरफ से। यह खुलासा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। सुनीता का दावा, घोटाले का पैसा कहां है, इसकी जानकारी देंगे। मनी ट्रेल जिसका जिक्र लगातार ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, मुमकिन है उससे जुड़ा कोई बड़ा दावा आज सामने आए। ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल का आज सातवां दिन है। बिल्कुल, और आज रिमांड वैसे खत्म हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ईडी रिमांड खत्म होने पर केजरीवाल की पेशी होगी आज, तो अदालत की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी, तो इस पेशी पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक हम देंगे कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ है ही, जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा भी ईडी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, साथ ही हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, शंभुनाथ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते विवेक शर्मा के पास चलते हैं। आज ईडी में क्या हलचल होगी, बात की जाए तो 6 दिन की कस्टडी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। उनको 6 दिन की 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। तो अभी ईडी ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी ईडी को सबूत मिले थे उसके आधार पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर ईडी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल विवेक, तो ईडी अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हो सकता है, जितेंद्र भाटी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है सुनीता केजरीवाल ने कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? बिल्कुल देखिए, आज जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी को तो ये बताना ही होगा कि पिछले दिनों जो रिमांड थी उनकी, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक की, उसके बीच क्या उनसे पूछताछ की गई, आगे रिमांड चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से खुलासा करेंगे, खुलासा इस बात को लेकर के है जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद में उनसे मिलने की अनुमति उन्हें मिली थी, वो ये बताएंगे कि आखिर ये कथित घोटाला है क्या और जिस पैसे की बात की जा रही है, मनी ट्रेल की बात की जा रही है, वो पैसा कहाँ है। देखिए, जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक का, वो ये है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी शर्त को लेकर के जो रेड्डी है उसको लेकर के सवाल उठाती रही है कि वो भी इस मामले में आरोपी था, उसकी तरफ से जब वो गवाह, उसके रेड पड़ी, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया और फिर वो मामले में गवाह बन जाता है और इसका फायदा उसको मिलता है, गवाही का उसको जमानत मिल जाती है, तो इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या खुलासे होंगे, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कैसे कहां ये खुलासा होगा, इस पर हमारी नजर होगी। घनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। घनेन्द्र जी, ये कैसा खुलासा होने जा रहा है, ऐसा खुलासा जिसके लिए आप लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले वो गिरफ्तार हो उसके बाद आप लोग खुलासा करें? देखिए समीर जी, ईडी की कस्टडी में अभी मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने संदेश भिजवाया है कि वो आज कोर्ट के सामने कई चीजों का खुलासा करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि 7 दिन से वो ईडी की कस्टडी में है, तो 7 दिन से हो सकता है कि ईडी की कस्टडी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको उनके नॉलेज में आई हो, कुछ ऐसी चीजें उनके जिक्र में आई हो और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक रह गई होंगी उन सबका कोर्ट में के सामने खुलासा होगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको भी इंतजार करना चाहिए, मुझे भी इंतजार करना चाहिए और पूरे देश को इंतजार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पहले से पता थी, ये ऐसी कोई बात होगी जो कि ईडी की 7 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पता चली है। देखिए ये भी हो सकता है, और कुछ बात अगर मान लो इस जो सो कॉल्ड एक्साइज लीकर स्कैम है इससे जुड़ी अगर कुछ बात होगी तो हमें कोर्ट तक का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। और दूसरी बात समीर जी, अभी आपके संवाददाता जितेंद्र भाटी जी ने बोला और पिछले 3 दिन से मैं और आप कई बार चर्चा में बैठ चुके हैं, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि शरद रेड्डी से आपका रिश्ता क्या है, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलवाई? ठीक है, आपने हरीश खुराना जी 60 करोड़ रुपए लिए तो ईडी, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के सामने आपके सवाल आपने रख भी दिए, और साथ ही हरीश जी मैं भी एक सवाल कर देता हूं, आज जो खुलासा होने वाला है क्या आप लोग घबराए हुए उसे, क्योंकि वो तो साफ कह रहे कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पैसा कहां गया ये आज पता चल जाएगा। देखिए 1.5-2 साल से केस चल रहा है,
पिछले 7 दिन से रिमांड पर हैं, 6 महीने से इनको सम्मन पे सम्मन आ रहे हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान तब नहीं आया कि क्या खुलासा करना है। अचानक से जब जेल में गए, जेल से उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान आया और कुछ खुलासा करने जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल के जरिए खुलासा नहीं कर रहे, खुद अपने जरिए अपने कोर्ट रूम में खुलासा करेंगे। कारण क्या है कि इनको लग रहा था कि इनके जेल जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेल हो चुका है, लोग उल्टा खुश हैं इनके जेल जाने से। अब चूंकि ये मीडिया में बने रहना है और अरविंद केजरीवाल जी को वहां पे दिखाना है कि मैं भी वहां पे हूँ, इसलिए वो कोर्ट रूम से कर रहे ताकि आपका टॉकिंग पॉइंट बना रहे, पूरे दिन ये चलता रहे कि क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन सच्चाई ये है, जो अभी गणेंद्र जी बोल रहे थे कि उन्होंने बोलना वही है जो पिछले 4 दिन से इनके प्रवक्ता रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं, रेड्डी रेड्डी करी जा रहे हैं। सच्चाई ये है, अभी जो कह रहे मेरा जवाब नहीं आया, ठेके तुम दो, बेनिफिट तुम दो, सब कुछ तुम करो हैं, और आप आरोप लगाओ कि हमने हमने रिश्वत खाई। सवाल ये है, शरद चंद्र रेड्डी की जो ये बातें कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि उनकी बेल क्यों मिली। उनको बेल मिली थी हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर तो सत्येंद्र जैन को भी बेल मिली थी और उनका विरोध ईडी ने नहीं किया था, तो इसका मतलब कोई रिश्ता क्या कहलाता है जरा ये भी सत्येंद्र जैन से बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन ने भी कोई सेटिंग की थी क्या। इसलिए मेरा कहना है कि ये उल जुलूल बातें जो ये कर रहे हैं ना, ठीक है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनको इनके पास कोई बेस नहीं है। अगर इतना बेस है तो जाके कोर्ट में रख दे कि हमें ये ब्रह्म ज्ञान हमें आया था, ये कोर्ट में रखा है और कोर्ट इसका संज्ञान ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। शंभूनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभूनाथ जी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे केस के दो पक्ष हैं, एक तो कानूनी पहलू है और एक दूसरा पब्लिक परसेप्शन, जिसके राजनीति में बड़े मायने होते हैं, वो क्या जाता नजर आ रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से लगातार अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, अब बड़े खुलासे की बात की जा रही। देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जेल से निर्देश दे रहे हैं, उसे पब्लिक में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री लोग जेल में गए, हेमंत सोरेन जी अभी गए, इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद तो नहीं सरकार से इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। अभी सुनीता जी जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी बैठी हैं, और वो जबकि वो मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुई, या तो घोषित कर दिया जाए, कुछ तो करना चाहिए, तब तक बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरे, अभी उन्होंने कहा है कल या परसों कि कुछ जयचंदों की वजह से मुझे मेरी गिरफ्तारी हुई, तो जयचंद कौन है ये तो उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि जयचंद का मतलब होता है कि हमारे ही घर से किसी ने गद्दारी करी है, जयचंद का यही अर्थ होता है ना, घर का भेदी। बिल्कुल, तो आखिर क्या पार्टी के लोग ही उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये उनको पहले भी बताना चाहिए था, आज वो कौन सा ऐसा खुलासा कर देंगे? और इसमें बीजेपी एक सवाल लगातार करती रही है, कल भी ये सवाल उठा था कि आपके तमाम करीबी जो हैं जेल में गए, तब आपने कोई खुलासा नहीं किया, जब आप हिरासत में हैं, आप गिरफ्तार हुए हैं, तभी आपको समझ में आया कि कोई ऐसा खुलासा करना चाहिए। क्या कोई तथ्य जो उनको पता था उसको अब तक उन्होंने इसलिए रखा था कि अपनी बारी आएगी तब उसको खोलेंगे? यह भी एक बीजेपी सवाल उठा रही है, अब लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे। घनेंद्र जी, आप इस पर उत्तर जरूर दीजिएगा। और देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं पैम्फलेट और 31 मार्च को महारैली में आने की अपील। 31 मार्च को रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, और पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो देखिए, ये पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि रामलीला में पहुंचिए, जो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ आने के लिए कहा गया है, कई नेताओं ने इसमें समर्थन भी जताया है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी शालिनी की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे आरटीओ मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिल्ली पुलिस देखिएगा किस तरह से यहां से हटा रही, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहां से लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहां से हटाया है, बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, सबको यहां से ले जाने के लिए यहां से सबको उठाया गया है। जहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आईटीओ प्रदर्शन कर रहे थे आईटीओ के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पर, और ये पंपलेट बांट रहे थे लोगों के बीच में। महारैली जो होनी है 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, उसको पंपलेट बांट रहे थे वो, और ये जो अपना बैनर नुमा पहन कर आए थे जिसमें लिखा हुआ था मैं भी
केजरीवाल, और आप देखिए दिल्ली विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से गिरफ्तार कर रही, इनको यहाँ से हटा रही है। देखिएगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ किस तरह से दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से हटा रही है। ये देखिए कैसे यहाँ पर हम जिंदाबाद लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। यहाँ पर जब कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है, वो तस्वीरें देखिए, और यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो कार्यकर्ता जो हैं, वो दिल्ली पुलिस जो है उनको गाड़ी में ले गए कुछ लोगों को, और ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कैसे लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो तस्वीरें देखिए आप, वो तस्वीर देखिए लेकर जा रही है, और लोग कार्यकर्ता जो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और उधर तम जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, सबको दिल्ली पुलिस यहाँ से हटा रही है, और ये जो महिला कार्यकर्ता थी वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुँची है और उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये आईटीओ मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 2, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे। और देखिए बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का कहना है कि घोटालों के बाद आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता जीरो हो चुकी है, तो वहीं आप नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इनकी विश्वसनीयता जीरो हो गई है, बचाए ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया, 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, क्यों मुनाफाखोरी हुई, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें इजाज़त दी गई, क्यों नए नए जोन्स खोले गए, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। वो पुराना शेर है ना, तो इधर उधर की बात ना कर, तो बता कि कारवां क्यों लुटा। साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलाफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। तो बयानों का दौर लगातार चल रहा है। घनेन्द्र जी, सवाल आपसे ही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह के सरकार चलाएंगे, ये आप लोगों ने एक स्टैंड लिया, ये किस आधार पे लिया, क्योंकि इसको लेकर एक चुनौती भी दी गई है। क्या दिल्ली के लोगों, दिल्ली के हित में नहीं होता कि फिलहाल कोई एक्टिंग सीएम बना दिया जाता, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई ऐसी, आप लोग तैयार हैं कोई नया सीएम ढूंढने के लिए, क्या तरीका होगा उसका? देखिए रवि, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल दिल्ली की सरकार चलाने का मैंडेट दिया, और बहुत मजबूत मैंडेट है, 70 में से 62 सीटें दी थी दिल्ली के लोगों ने, और कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार 5 साल चलाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए लगा के रोज देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है। नहीं, रोज ये बात आप देखिए, ये बात हमारे कार्यक्रम में आप जब भी आते हैं यही बात कहते हैं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है कि भाई दिल्ली को एक एक्टिव सीएम चाहिए जो बाहर रहे, जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे। अगर केजरीवाल जेल में है तो बाहर जो सरकार है वो ठीक से कैसे फंक्शन करेगी? इसका क्या फॉर्मूला या क्या मैजिक है आप लोगों के पास? दुनिया में हमने अभी तक नहीं देखा, आप इसको कैसे करने जा रहे हैं? रवि, पहली बात तो केजरीवाल जी जेल में नहीं है, केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है, ठीक है। हाँ, और ठीक, दूसरी बात, चलिए, देश में संविधान में कानून में कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। सर, बात केजरीवाल की नहीं है, बात है दिल्ली की जनता की, उनके हितों की। वो मुख्यमंत्री जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे या कानूनी तौर से। रवि, अरविंद केजरीवाल जी जितने बाहर खतरनाक थे उससे ज्यादा कई खतरनाक वो ईडी की कस्टडी में, ईडी की। ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जितने खतरनाक बाहर नहीं थे उतने खतरनाक अंदर है, समझ रहे हैं हरीश खुराना साहब? इसका मतलब क्या है? और बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई कानून में पूरी छूट है, जब तक वो दोषी नहीं साबित हो जाते तब तक वो जेल से सरकार चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली के एलजी का एक बहुत सधा हुआ बयान हमने सुना
जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने दी जाएगी, इसका क्या मतलब है हरीश जी? समीर, टेक्निकली आप कह सकते हो कि वो सरकार चला सकते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखिए ये फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बार बार कई दस्तावेज जो होते हैं वो थोड़े सीक्रेट दस्तावेज होते हैं जो सीएम को एक्सेस होते हैं। अब बिना दिखाए हुए, बिना जेल अथॉरिटीज को दिखाए हुए या ईडी के अथॉरिटीज को दिखाए हुए आप सीएम के आगे नहीं रख सकते। वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन सवाल एक दूसरा भी उठता है, नहीं ये बात अलग है ना हरीश जी, हरीश जी थोड़ा सा इसी पर बात कर लें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दिल्ली के एलजी कह रहे हैं जेल से नहीं चलने दी जाएगी दिल्ली की सरकार, इसका क्या मतलब है, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए समीर भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था, दो चीजें इसके अंदर एस्पेक्ट में, एलजी की बात पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं याद करिए ये लोग क्या कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे ना तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, उसके बाद जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद पे आई तो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, ये है इन लोगों की वो, और एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मेरे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपने पिताजी का, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, 3 लाख रुपए का आरोप लगा था उनके ऊपर हवाला के जरिए, जो 3 लाख रुपए का आरोप, मिनट से पहले ठोकर मार दी थी सीएम शिप को, इसलिए ये ज्ञान जो देते ना बहुत इतना आसान नहीं होता सीएम को रिजाइन करना। ये उदाहरण अब जो एलजी साहब ने आपने कही, देखिए वही मेरा कहना है, एलजी साहब इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक भी है दिल्ली के, वो एश्योर करेंगे कि कहीं ये बहुत 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 एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल और दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो बेहतर उत्तर बता पाएंगे। सर, जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर पद लेता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये पद और गोपनीयता की शपथ है, ये साफ साफ है। तो शंभुनाथ जी, अगर जेल से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जेल के मैनुअल के हिसाब से वो चेक होंगे, क्या संविधान में उस शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? और ऐसी स्थिति में संविधान में शपथ के प्रावधान की रक्षा करना किसका दायित्व है? रवि, निश्चित तौर पे ये संविधान का उल्लंघन ही माना जाएगा। अब कितना कहा जाए कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार चलाने का कोई निषेध है, लेकिन इसके पहले एक लोकतंत्र में कुछ उदाहरण भी होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। इसके पहले बिहार में लालू जी जब जेल गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, उसी तरह अभी हेमंत सोरेन जी जब ईडी के गिरफ्तार किए गए तब भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था और एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ था। आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत है, उसका एक विधायक दल है, तो क्यों ना बेहतर रहे कि बजाय सुनीता जी जिस तरह उन्हें निर्देश दें कि आम आदमी पार्टी अपने एक विधायक मंडल से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे और वो फैसला करे। नहीं तो आपने आपने सुना ना घनेन्द्र जी को दो बातें कही कि चलेगी सरकार जेल से ही और जेल में और ज्यादा खतरनाक है। नहीं तो ये स्टैंड क्या बताता है? ये राजनीतिक समझ बताता है, ये लोकतांत्रिक पैटर्न बताता है या कुछ और बता रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये और खतरनाक है, जितना खतरनाक वो बता रहे, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा खतरनाक है कि दिल्ली की जनता का जो मुख्यमंत्री सरकार चुनी उसका ही उल्लंघन है कि आप अपनी सरकार के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर रहे, क्यों ना किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सुनीता जी के बजाय किसी को और को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाए। सुनीता जी तो अभी या तो घोषित कर दें कि सुनीता जी मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक है, वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तक ऐसी ना कोई घोषणा है ना इसके आसार जताए गए हैं पार्टी के किसी नेता की तरफ से। सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी करती हैं और बताती हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है। अब एक और अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की तरफ से दरअसल एक बड़ा दावा किया गया। आम आदमी पार्टी विधायकों को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल, विधायकों को कहा जा रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, विधायकों को धमकी, नहीं आए तो खैर नहीं, बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है, ये कहा गया है संदीप पाठक की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले भी जब जब इस तरह के आरोप लगे जितेंद्र, बीजेपी ने कहा सबूत दीजिए, इस बार सबूतों के साथ आरोप लगाने वाली है पार्टी, ये माना जाए क्या? बिल्कुल, देखिए इस तरह से पहले भी है और एक बार इस मामले को लेकर सबूत रखे गए थे, लेकिन बहुत शुरुआत की बात है, लेकिन बाद में जो है से बयान आए। अगर मैं बात करूं कल भी, देखिए आम आदमी पार्टी के जो 3 विधायक हैं पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है, और उसके ठीक थोड़ी देर बाद खबर ये आई कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं
पंजाब से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, साथ एक विधायक ने भी ज्वाइन कर ली। अब जो संदीप पाठक हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं और साथ ही संगठन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया कि ऐसे बहुत सारे विधायकों को कॉल्स आ रही हैं, उन्हें धमकाया भी जा रहा है, उन्हें प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लंच भी दिया जा रहा है कि आप आइए आपको सब कुछ मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप पहले भी लगाती रही है और देखिए वो आरोप फिर से एक बार सामने आ रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश खुराना जी, इस पर एक रिएक्शन आपका, आखिर ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का फायदा आपकी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, इस पर जवाब भाई। समीर भाई, आम आदमी पार्टी के लोग रोज उठते हैं, सुबह उठते हैं और एक नई मनोहर कहानियां गढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मनोहर कहानियां बोलूंगा, पिछले 3-4 बार से बोल चुके हैं कि ऑपरेशन लूटस हो रहा है, ऑपरेशन लूट हो रहा है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं दिया। हमने तो उल्टा पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन भी की थी, याद करिए, पुलिस कमिश्नर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे और कंप्लेन भी की थी कि नाम बताएं, ऐसा झूठा आरोप मत लगाएं, हिम्मत है तो नाम बताइए, किसका फोन आया था, किसको फोन किया, किसने फोन किया, जरा बताएं, लेकिन ये बता नहीं पाए। सवाल यही उठता है कि प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं असलियत क्या, असलियत ये था कि इनको लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि अगर केजरीवाल अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी सिंपैथी मिलेगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इसी का मैं एग्जांपल 10 सेकंड और कल यादव सौरभ यादव ने कहा था कि मेरी आम आदमी अरविंद केजरीवाल की आज्ञा सड़कों पर, और जो हम सेशन बुला रहे हैं, क्या हुआ, 2.5 मिनट के अंदर सेशन खत्म कर दिया, कहां गई वो आज्ञा, कहां गई अरविंद केजरीवाल की आज्ञा। धनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के विधायक इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। धनेंद्र जी, अपने कार्यक्रम के माध्यम से समीर 10 सेकंड और दीजिए, मैं जो पूरी कंप्लीट करने, ठीक है, करी करी नोटिस किए, कल आपने नोटिस किया होगा, इनके 62 MLA हैं और जो विधानसभा के अंदर जब सेशन हुआ था और 42 MLA थे, 20 कहां चले गए। इनको यही प्रॉब्लम है कि कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो इधर उधर ना भागने, सिर्फ यही प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। धनेंद्र जी, TV9 भारतवर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह अवसर देता है, उन लोगों के नाम बताइए जो आपके विधायकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं तो एकदम खुला आपको अवसर दे रहा हूं, आप पूरे देश को बताइए ना, अभी बता दीजिए किस्सा खत्म हो जाएगा, ये लाजवाब हो जाएंगे। रवि, मुझे आप 60 सेकंड दो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ जेल से सरकार कैसे चलेगी वो थ्योरी बताता हूँ। देश में सर मेरे सवाल का पहले उत्तर दीजिए, उसका दे लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि ये बड़ा गंभीर आरोप है कि फोन कॉल करके धमकी दी जा रही है, आप एकदम अपॉर्चुनिटी है, आप ये मत कहिए कि आपको मौका नहीं मिला, बताइए नाम TV9 भारतवर्ष को। कल हमारे पंजाब के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम और टेलीफोन नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर करे हैं। अब भारत की सरकार को इनकी एजेंसी को उसकी जांच करनी चाहिए कि किसके नंबर है, किसने कॉल करा, कब कॉल करा, उन्होंने तो नंबर और नाम दोनों उजागर कर दिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंजाब में आपकी सरकार है, आप जांच करा रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, आपने जांच कराई उसकी, मैं कह रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद उसका इफेक्ट देखने को मिला ऑपरेशन लोटस का, हमारे MLA और सिटिंग MP को बीजेपी ने तोड़ दिया, वो चले गए 25 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में, उसका एग्जाम्पल तुरंत सामने आ गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 5 मिनट बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सच्चाई सामने आ गई। हरी जी उत्तर दीजिए, हरी जी उत्तर दीजिए, चला गया ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हरी जी का उत्तर सुन लीजिए, गजब लॉजिक है, देखिए पंजाब कह रहे हमें नाम दिए, हमने भाई पंजाब में सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारे पास, CID तुम्हारे पास, अरे जाके गिरफ्तार करो ना। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला यार, मैंने अरे सब जांच में चाहिए होते ना, हर बार सबूत तुम्हें चाहिए होते, हर बार आप सबूत दे दिया। नहीं हरीश जी, एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही जा रही है कि पंजाब में कल आम आदमी पार्टी के एक विधायक, एक सांसद ने आपकी पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन की है, धनेंद्र जी कह रहे हैं उन्हें खरीदा गया है। ये कहते रहो नोक मनोहर कहानियां गढ़ रहे हैं, खरीदा गया उनसे पूछ लीजिए कितने में खरीदा। सवाल ये है कि इनके सामने बताऊ है क्या, इनके लोग बताऊ है क्या, जवाब तो देने दीजिए ना उनको। अरे भाई हमारे एक MP नहीं बोला, ठीक है, आपके आरोप सुन लिए हमने, समझ में आ गए सबके, हरीश जी उसी का जवाब दे रहे थे जी। हरीश जी, धनेंद्र जी का हालत देखिए, इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं कि इनके विधायक बिकाऊंगे, मतलब जो व्यक्ति इनके साथ है मतलब वो कह रहे हैं कि बिकाऊंगा ले जाओ, गजब लॉजिक है यार, थोड़ा सोचा करियो क्या बोल रहे हो, कि जब तक तो तुम्हारे साथ थे 25 करोड़ बिक गए, वो
बस ऐसे ऐसे लोगों को तुमने रखा हुआ था, गजब लॉजिक देते हैं भैया, सवाल इसी बात का है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं हमने आरोप लगाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे भैया गिरफ्तार करो ना उस व्यक्ति को, सामने लाओ उस व्यक्ति को, कौन सा बीजेपी का आदमी है, गजब लॉजिक देते हो। अरे बाबा पुलिस तुम्हारी है ना? जी, एक सवाल अब इस पे बनता है, एक सवाल इस पे बनता है, जो पार्टी ये कहती है कि भगत सिंह हमारे आदर्श है, हम तो सच्चाई के लिए ईमानदारी के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, क्या किसी के फोन कॉल से डर के वो पार्टी ही छोड़ देगी, विचारधारा ही छोड़ देगी, रास्ता बदल देगी? ऐसे नेता हैं क्या पार्टी में? क्या ऐसा इंप्रेशन चला जाएगा आम आदमी पार्टी अगर ये एलिगेशन लगातार लगाती रही तो? देखिए रवि, हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल लोहे के बने हुए हैं। आपसे नहीं है, आपसे नहीं है सर, शंभुनाथ जी से है, शंभुनाथ जी से है, ये शंभुनाथ जी से है कि इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है, ये सवाल यही था, क्योंकि हो तो यही रहा दरअसल। देखिए आम आदमी जब पार्टी जब बनी थी तो बहुत सारे उन्होंने आदर्श गढ़े थे, उनमें एक ही था कि अब जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक तरफ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगती है, दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह की लगती है, तो कम से कम इन दोनों के आदर्शों पर तो चलना चाहिए। आदर्श का मतलब अगर आपको लगता है कि आपके विधायक फोड़े जा रहे हैं तो पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, हम दिल्ली में मान सकते हैं कि दिल्ली में पुलिस आपकी नहीं है, हो सकता है पुलिस के अधिकारी आपकी बात ना सुनते हो, माना जा सकता है, लेकिन पंजाब में तो ऐसा संभव नहीं है, पंजाब में तो पुलिस आपकी है, तो उनको जांच करानी चाहिए अपने स्तर पर, और अगर ये आरोप है तो यहाँ बताना चाहिए पुलिस में, रिपोर्ट नहीं, अगर उनको लगता है पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो यहाँ बताएं तो सही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस को बताएं, अब इतना मीडिया इस तरह तो नहीं। अजीब बात हो गई कि आपकी सरकार की पुलिस ही आपकी रिपोर्ट ना लिखे, भाई पंजाब में FIR लॉन्च की जा सकती है, जांच की जा सकती है, कमीशन बिठाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस बीच गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गोवा के 4 बड़े नेताओं को जारी किया है समन, ईडी ने समन जारी कर आज पेशी के लिए बुलाया है। तो गोवा में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही। और विवेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, विवेक क्या जानकारी मिल रही है, और गोवा के आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त ईडी के रडार पर नजर आ रहे हैं, क्या कनेक्शन जुड़ता दिखता है? देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता जो गोवा के हैं वो ईडी की रडार पे है, और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जिस तरह से बताया गया था कि 45 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव के दौरान गोवा में दिए गए थे, तो उसको लेकर सवाल जवाब जो है वो ईडी करना चाहती है। तो लगातार इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सूत्र बताते हैं कि पूछताछ की गई थी, लेकिन ये भी ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन्हें रौजावंडी कोर्ट में 6 दिन की कस्टडी के बाद पेश किया जाएगा, और एक बार फिर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में बताएगी कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, इसके चलते ठीक है बिल्कुल, तो लेने हैं इसी के चलते सबकी नजरें रहेंगी रौजावंडी कोर्ट की तरफ, आपके पास भी हम लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका, जीत भाटिया हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और हमारे मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शराब घोटाले का पैसा है कहां, अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेगी। अंदर हूं या बाहर, अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर, और ऐसे में एक बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे, और यह खुलासा मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस पर है हमारी नजर, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की नजर रौजावंडी कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल कोर्ट में आज बड़ा खुलासा करने वाले, और यह खुलासा वो पेशी के बाद करेंगे। यह दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही। जी हां, लेकिन आज रौजावंडी कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक PIL पर बड़ी सुनवाई है।
पीआईएल में सीएम को पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या आज दिल्ली शराब घोटाले का सच सामने आएगा, इसी पर होगी बड़ी बहस। मेहमानों से करेंगे चर्चा भी, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी ब्रेकिंग बड़े अपडेट के साथ। कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया था, क्या होगा वो खुलासा, इस पर है निगाह। तो केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल ने यह बात कही थी और सबकी नजरें इसी बात पर है कि क्या वो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले में कही जा सकती है। हमारे यहां रेड मारी, मात 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कल जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे। आज का दिन मुकर्रर किया गया इस खुलासे के लिए, ऐसा सुनीता केजरीवाल का दावा है। रिमांड के आखिरी दिन क्या खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज कोर्ट में बड़े खुलासे की बात की गई है सुनीता केजरीवाल की तरफ से। ये खुलासा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। सुनीता का दावा, घोटाले का पैसा कहां है, इसकी जानकारी देंगे। मनी ट्रेल जिसका जिक्र लगातार ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, मुमकिन है उससे जुड़ा कोई बड़ा दावा आज सामने आए। ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल का आज सातवां दिन है। बिल्कुल, और आज रिमांड वैसे खत्म हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ईडी रिमांड खत्म होने पर केजरीवाल की पेशी होगी आज, तो अदालत की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी, तो इस पेशी पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक हम देंगे कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चलती है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ है ही, जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा भी ईडी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, साथ ही हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंभुनाथ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते विवेक शर्मा के पास चलते हैं। विवेक, आज ईडी में क्या हलचल होगी? बात की जाए तो 6 दिन की कस्टडी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। उनको 6 दिन की 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। तो अभी ईडी ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी ईडी को सबूत मिले थे उसके आधार पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर ईडी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल विवेक, तो ईडी अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हो सकता है, जितेंद्र भाटी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है सुनीता केजरीवाल ने कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? बिल्कुल देखिए, आज जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी को तो यह बताना ही होगा कि पिछले दिनों जो रिमांड थी उनकी, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक की, उसके बीच क्या उनसे पूछताछ की गई, आगे रिमांड चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से खुलासा करेंगे, खुलासा इस बात को लेकर के है, जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद में उनसे मिलने की अनुमति उन्हें मिली थी, वो ये बताएंगे कि आखिर ये कथित घोटाला है क्या, और जिस पैसे की बात की जा रही है, मनी ट्रेल की बात की जा रही है, वो पैसा कहाँ है। देखिए, जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक का, वो ये है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी शरद को लेकर के जो रेड्डी है उसको लेकर के सवाल उठाती रही है कि वो भी इस मामले में आरोपी था, उसकी तरफ से जब वो गवाह, उसके रेड पड़ी, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया और फिर वो मामले में गवाह बन जाता है और इसका फायदा उसको मिलता है, गवाही का उसको जमानत मिल जाती है, तो इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या खुलासे होंगे, ये इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, कैसे कहां ये खुलासा होगा, इस पर हमारी नजर होगी। घनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। घनेन्द्र जी, ये कैसा खुलासा होने जा रहा है, ऐसा खुलासा जिसके लिए आप लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले वो गिरफ्तार हो उसके बाद आप लोग खुलासा करें?
देखिए समीर जी, ईडी की कस्टडी में अभी मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने संदेश भिजवाया कि वो आज कोर्ट के सामने कई चीजों का खुलासा करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि 7 दिन से वो ईडी की कस्टडी में है, तो 7 दिन से हो सकता है कि ईडी की कस्टडी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको उनके नॉलेज में आई हो, कुछ ऐसी चीजें उनके जिक्र में आई हो, और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक रह गई होंगी उन सबका कोर्ट में के सामने खुलासा होगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको भी इंतजार करना चाहिए, मुझे भी इंतजार करना चाहिए, और पूरे देश को इंतजार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पहले से पता थी, ये ऐसी कोई बात होगी जो कि ईडी की 7 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पता चली है। देखिए ये भी हो सकता है, और कुछ बात अगर मान लो इस जो सो कॉल्ड एक्साइज लीकर स्कैम है इससे जुड़ी अगर कुछ बात होगी, तो हमें कोर्ट तक का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। और दूसरी बात समीर जी, अभी आपके संवाददाता जितेंद्र भाटी जी ने बोला, और पिछले 3 दिन से मैं और आप कई बार चर्चा में बैठ चुके हैं, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि शरद रेड्डी से आपका रिश्ता क्या है, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रूपए लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलवाई। ठीक है, आपने हरीश खुराना जी 60 करोड़ रूपए लिए तो ईडी, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के सामने आपके सवाल आपने रख भी दिए, और साथ ही हरीश जी मैं भी एक सवाल कर देता हूं, आज जो खुलासा होने वाला है क्या आप लोग घबराए हुए उसे, क्योंकि वो तो साफ कह रहे कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पैसा कहां गया ये आज पता चल जाएगा। देखिए 1.5-2 साल से केस चल रहा है, पिछले 7 दिन से रिमांड पर हैं, 6 महीने से इनको समन पे समन आ रहे हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान तब नहीं आया कि क्या खुलासा करना है, अचानक से जब जेल में गए जेल से उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान आया और कोई खुलासा करने जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल के जरिए खुलासा नहीं कर रहे, खुद अपने जरिए अपने कोर्ट रूम में खुलासा करेंगे। कारण क्या है कि इनको लग रहा था कि इनके जेल जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेल हो चुका है, लोग उल्टा खुश हैं इनके जेल जाने से। अब चूंकि ये मीडिया में बने रहना है और अरविंद केजरीवाल जी को वहां पे दिखाना है कि मैं भी वहां पे हूँ, इसलिए वो कोर्ट रूम से कर रहे ताकि आपका टॉकिंग पॉइंट बना रहे, पूरे दिन ये चलता रहे कि क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन सच्चाई ये है जो अभी गणेंद्र जी बोल रहे थे कि उन्होंने बोलना वही है जो पिछले 4 दिन से इनके प्रवक्ता रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं, रेड्डी रेड्डी करी जा रहे हैं। सच्चाई ये है, अभी जो कह रहे मेरा जवाब नहीं आया, ठेके तुम दो, बेनिफिट तुम दो, सब कुछ तुम करो है, और आप आरोप लगाओ कि हमने हमने रिश्वत खाई। सवाल ये है शरद चंद्र रेड्डी की जो ये बातें कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि उनकी बेल क्यों मिली, उनको बेल मिली थी हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर तो सत्येंद्र जैन को भी बेल मिली थी और उनका विरोध ईडी ने नहीं किया था, तो इसका मतलब कोई रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी सत्येंद्र जैन से बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन ने भी कोई सेटिंग की थी क्या। इसलिए मेरा कहना है कि ये कूल जुलूल बातें जो ये कर रहे हैं ना, ठीक है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनको इनके पास कोई बेस नहीं है। अगर इतना बेस है तो जाके कोर्ट में रख दे कि हमें ये भ्रम ज्ञान हमें आया था, ये कोर्ट में रखा है और कोर्ट इसका संज्ञान ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। शंभूनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभूनाथ जी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे केस के दो पक्ष हैं, एक तो कानूनी पहलू है और एक दूसरा पब्लिक परसेप्शन, जिसके राजनीति में बड़े मायने होते हैं, वो क्या जाता नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से लगातार अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, अब बड़े खुलासे की बात की जा रही है। देखिए एक तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जेल से निर्देश दे रहे हैं उसे पब्लिक में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री लोग जेल में गए, हेमंत सोरेन जी अभी गए, इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद तो नहीं सरकार से इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। अभी सुनीता जी जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी बैठी हैं, और वो जबकि वो मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुई, या तो घोषित कर दिया जाए, कुछ तो करना चाहिए, तब तक बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरे अभी उन्होंने कहा है कल या परसों कि कुछ जयचंदों की वजह से मुझे मेरी गिरफ्तारी हुई, तो जयचंद कौन है ये तो उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि जयचंद का मतलब होता है कि हमारे ही घर से किसी ने गद्दारी करी है, जयचंद का यही अर्थ होता है ना, घर का भेदी। बिल्कुल, तो आखिर क्या पार्टी के लोग ही उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है वो लोग जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये उनको पहले भी बताना चाहिए था, आज वो कौन सा ऐसा खुलासा कर देंगे। और इसमें बीजेपी एक सवाल लगातार करती रही है, कल भी ये सवाल उठा था कि आपके तमाम करीबी जो हैं जेल में गए, तब आपने कोई खुलासा नहीं किया, जब आप हिरासत में हैं, आप गिरफ्तार हुए हैं,
तभी आपको समझ में आया कि कोई ऐसा खुलासा करना चाहिए। क्या कोई तथ्य जो उनको पता था उसको अब तक उन्होंने इसलिए रखा था कि अपनी बारी आएगी तब उसको खोलेंगे? यह भी एक बीजेपी सवाल उठा रही है। अब लौटेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। घनेन्द्र जी, आप इस पर उत्तर जरूर दीजिएगा। और देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं पैम्फलेट और 31 मार्च को महारैली में आने की अपील। 31 मार्च को रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, और पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो देखिए, ये पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि रामलीला में पहुंचिए, जो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ आने के लिए कहा गया है। कई लोगों ने, कई नेताओं ने इसमें समर्थन भी जताया है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी शालिनी की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे आरटीओ मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिल्ली पुलिस देखिएगा किस तरह से यहां से हटा रही है, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहां से लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहां से हटाया है, बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, सबको यहां से ले जाने के लिए यहां से सबको उठाया गया है। जहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आईटीओ प्रदर्शन कर रहे थे आईटीओ के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पर, और ये पंपलेट बांट रहे थे लोगों के बीच में। महारैली जो होनी है 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, उसको पंपलेट बांट रहे थे वो, और ये जो अपना बैनर नुमा पहन कर आए थे जिसमें लिखा हुआ था मैं भी केजरीवाल। और आप देखिए दिल्ली विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। दिल्ली पुलिस इनको यहां से गिरफ्तार कर रही है, इनको यहां से हटा रही है। देखिएगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ किस तरह से दिल्ली पुलिस इनको यहां से हटा रही है। ये देखिए कैसे यहां पर हम जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। यहाँ पर जब कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है, वो तस्वीरें देखिए, और यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली पुलिस जो है उनको गाड़ी में ले गई कुछ लोगों को, और ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कैसे लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो तस्वीरें देखिए आप, वो तस्वीर देखिए लेकर जा रही है, और लोग कार्यकर्ता जो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और उधर तम जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, सबको दिल्ली पुलिस यहाँ से हटा रही है। और ये जो महिला कार्यकर्ता थी वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुँची है और उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये आईटीओ मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 2, जहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे। और देखिए, बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का कहना है कि घोटालों के बाद आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता जीरो हो चुकी है। तो वहीं आप नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इनकी विश्वसनीयता जीरो हो गई है, बचा ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया, 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, क्यों मुनाफाखोरी हुई, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें इजाज़त दी गई, क्यों नए नए जोन्स खोले गए, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। वो पुराना शेर है ना, तो इधर उधर की बात ना कर, तो बता कि कारवां क्यों लुटा। साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलाफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। तो बयानों का दौर लगातार चल रहा है। घनेन्द्र जी, सवाल आपसे ही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह के सरकार चलाएंगे, ये आप लोगों ने एक स्टैंड लिया, ये किस आधार पे लिया? क्योंकि इसको लेकर एक चुनौती भी दी गई है। क्या दिल्ली के लोगों, दिल्ली के हित में नहीं होता कि फिलहाल कोई एक्टिंग सीएम बना दिया जाता? और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई ऐसी, आप लोग तैयार हैं कोई नया सीएम ढूंढने के लिए? क्या तरीका होगा उसका? देखिए रवि, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल दिल्ली की सरकार चलाने का
मैंडेट दिया और बहुत मजबूत मैंडेट है, 70 में से 62 सीटें दी थी दिल्ली के लोगों ने, और कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार 5 साल चलाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए लगा के रोज देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है। नहीं, रोज ये बात आप देखिए, ये बात हमारे कार्यक्रम में आप जब भी आते हैं यही बात कहते हैं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है कि भाई दिल्ली को एक एक्टिव सीएम चाहिए जो बाहर रहे, जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे। अगर केजरीवाल जेल में है तो बाहर जो सरकार है वो ठीक से कैसे फंक्शन करेगी? इसका क्या फॉर्मूला या क्या मैजिक है आप लोगों के पास? दुनिया में हमने अभी तक नहीं देखा, आप इसको कैसे करने जा रहे हैं? रवि, पहली बात तो केजरीवाल जी जेल में नहीं है, केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है, ठीक है। हाँ, और ठीक, दूसरी बात, चलिए, देश में संविधान में कानून में कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। सर, बात केजरीवाल की नहीं है, बात है दिल्ली की जनता की, उनके हितों की। वो मुख्यमंत्री जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे या कानूनी तौर से। रवि रवि, अरविंद केजरीवाल जी जितने बाहर खतरनाक थे उससे ज्यादा कई खतरनाक वो ईडी की कस्टडी में। ईडी की, ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जितने खतरनाक बाहर नहीं थे उतने खतरनाक अंदर हैं, समझ रहे हैं हरीश खुराना साहब? इसका मतलब क्या है? और बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई कानून में पूरी छूट है, जब तक वो दोषी नहीं साबित हो जाते तब तक वो जेल से सरकार चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली के एलजी का एक बहुत सधा हुआ बयान हमने सुना जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने दी जाएगी, इसका क्या मतलब है हरीश जी? समीर, टेक्निकली आप कह सकते हो कि वो सरकार चला सकते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखिए ये फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बार बार कई दस्तावेज जो होते हैं वो थोड़े सीक्रेट दस्तावेज होते हैं जो सीएम को एक्सेस होते हैं। अब बिना दिखाए हुए, बिना जेल अथॉरिटीज को दिखाए हुए या ईडी के अथॉरिटीज को दिखाए हुए आप सीएम के आगे नहीं रख सकते। वो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। लेकिन सवाल एक दूसरा भी उठता है। नहीं, ये बात अलग है ना हरीश जी, थोड़ा सा इसी पर बात कर लें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिल्ली के एलजी कह रहे हैं जेल से नहीं चलने दी जाएगी दिल्ली की सरकार, इसका क्या मतलब है? क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए समीर भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था, दो चीजें इसके अंदर एस्पेक्ट में, एलजी की बात पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं याद करिए ये लोग क्या कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे ना तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, उसके बाद जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद पे आई तो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, ये है इन लोगों की वो। और एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मेरे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपने पिताजी का, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, 3 लाख रुपए का आरोप लगा था उनके ऊपर हवाला के जरिए, जो 3 लाख रुपए का आरोप, मिनट से पहले ठोकर मार दी थी सीएमशिप को। तो इसलिए ये ज्ञान जो देते ना बहुत इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये उदाहरण, अब जो एलजी साहब ने आपने कही, देखिए वही मेरा कहना है, एलजी साहब इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक भी हैं दिल्ली के, वो एश्योर करेंगे कि कहीं कोई, ये बहुत 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 एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल और दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में है, वो बेहतर उत्तर बता पाएंगे। सर, जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर पद लेता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये पद और गोपनीयता की शपथ है, ये साफ साफ है। तो शंभुनाथ जी, अगर जेल से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जेल के मैनुअल के हिसाब से वो चेक होंगे, क्या संविधान में उस शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? और ऐसी स्थिति में संविधान में शपथ के प्रावधान की रक्षा करना किसका दायित्व है? रवि, निश्चित तौर पर यह संविधान का उल्लंघन ही माना जाएगा। अब कितना कहा जाए कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार चलाने का कोई निषेध है, लेकिन इसके पहले एक लोकतंत्र में कुछ उदाहरण भी होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। इसके पहले बिहार में लालू जी जब जेल गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, उसी तरह अभी हेमंत सोरेन जी जब ईडी के गिरफ्तार किए गए तब भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था और एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ था। आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत है, उसका एक विधायक दल है, तो क्यों ना बेहतर रहे कि बजाय सुनीता जी जिस तरह उन्हें निर्देश दें कि आम आदमी पार्टी अपने एक विधायक मंडल से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे और वो फैसला करे। नहीं तो आपने सुना ना घनेन्द्र जी को, दो बातें कही
कि चलेगी सरकार जेल सही और जेल में और ज्यादा खतरनाक नहीं तो ये स्टैंड क्या बताता है? ये राजनीतिक समझ बताता है, ये लोकतांत्रिक पैटर्न बताता है या कुछ और बता रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये और खतरनाक है, जितना खतरनाक वो बता रहे हैं मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा खतरनाक है कि दिल्ली की जनता का जो मुख्यमंत्री सरकार चुनी उसका ही उल्लंघन है कि आप अपनी सरकार के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर रहे, क्यों ना किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सुनीता जी के बजाय किसी को और को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाए। सुनीता जी तो अभी या तो घोषित दें कि सुनीता जी मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक है, वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तक ऐसी ना कोई घोषणा है ना इसके आसार जताए गए हैं पार्टी के किसी नेता की तरफ से। सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी करती हैं और बताती हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है। अब एक और अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की तरफ से दरअसल एक बड़ा दावा किया गया। आम आदमी पार्टी विधायकों को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल, विधायकों को कहा जा रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, विधायकों को धमकी, नहीं आए तो खैर नहीं, बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है, ये कहा गया है संदीप पाठक की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी जब जब इस तरह के आरोप लगे जितेंद्र, बीजेपी ने कहा सबूत दीजिए, इस बार सबूतों के साथ आरोप लगाने वाली है पार्टी, ये माना जाए क्या? बिल्कुल, देखिए इस तरह से पहले भी है और एक बार इस मामले को लेकर सबूत रखे गए थे, लेकिन बहुत शुरुआत की बात है, लेकिन बाद में जो है से बयान आए। अगर मैं बात करूं कल भी, देखिए आम आदमी पार्टी के जो 3 विधायक हैं पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है, और उसके ठीक थोड़ी देर बाद खबर ये आई कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, साथ एक विधायक ने भी ज्वाइन कर ली। अब जो संदीप पाठक हैं आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, साथ ही संगठन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया कि ऐसे बहुत सारे विधायकों को कॉल्स आ रही हैं, उन्हें धमकाया भी जा रहा है, उन्हें प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है कि आप आइए आपको सब कुछ मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप पहले भी लगाती रही है और देखिए वो आरोप फिर से एक बार सामने आ रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश खुराना जी, इस पर एक रिएक्शन आपका, आखिर ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का फायदा आपकी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, इस पर जवाब? समीर भाई, आम आदमी पार्टी के लोग रोज उठते हैं, सुबह उठते हैं और एक नई मनोहर कहानियां गढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मनोहर कहानियां बोलूंगा, पिछले 3-4 बार से बोल चुके हैं कि ऑपरेशन लोटस हो रहा है, ऑपरेशन लोटस हो रहा है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं दिया। हमने तो उल्टा पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन भी की थी, याद करिए पुलिस कमिश्नर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे और कंप्लेन भी की थी कि नाम बताएं, ऐसा झूठा आरोप मत लगाएं, हिम्मत है तो नाम बताइए, किसका फोन आया था, किसको फोन किया, किसने फोन किया, जैसे बताएं, लेकिन ये बता नहीं पाए। सवाल यही उठता है कि प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं असलियत क्या, असलियत ये था कि इनको लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि अगर केजरीवाल अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी सिंपैथी मिलेगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इसी का मैं एग्जांपल 10 सेकंड और कल यादव सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि मेरी आम आदमी अरविंद केजरीवाल की आज्ञा सड़कों पर और जो हम सेशन बुला रहे हैं, क्या हुआ, 2.5 मिनट के अंदर सेशन खत्म कर दिया, कहां गई वो आज्ञा, कहां गई अरविंद केजरीवाल की आज्ञा। धनेन्द्र जी, धनेन्द्र जी, आम आदमी पार्टी के विधायक इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। धनेन्द्र जी अपने कार्यक्रम के माध्यम से, समीर 10 सेकंड और दीजिए, ये मैं जो पूरी कंप्लीट करने, ठीक है, करी करी नोटिस किए, कल आपने नोटिस किया होगा इनके 62 MLA हैं और जो विधानसभा के अंदर जब सेशन हुआ था और 42 MLA थे सिर्फ, 42 20 कहां चले गए। इनको यही प्रॉब्लम है कि कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो इधर उधर ना भागने, सिर्फ यही प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। धनेन्द्र जी, TV9 भारतवर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह अवसर देता है, उन लोगों के नाम बताइए जो आपके विधायकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं तो एकदम खुला आपको अवसर दे रहा हूं, आप पूरे देश को बताइए ना, अभी बता दीजिए किस्सा खत्म हो जाएगा, ये लाजवाब हो जाएंगे। रवि, मुझे आप 60 सेकंड दो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ जेल से सरकार कैसे चलेगी, वो थ्योरी बताता हूँ। देश में सर मेरे सवाल का पहले उत्तर दीजिए, उसका दे लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि ये बड़ा गंभीर आरोप है कि फोन कॉल करके धमकी दी जा रही है, आप एकदम अपॉर्चुनिटी है, आप ये मत कहिए कि आपको मौका नहीं मिला, बताइए नाम TV9 भारतवर्ष को। कल हमारे पंजाब के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम और टेलीफोन नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर करे हैं। अब भारत की सरकार
इनकी एजेंसी को उसकी जांच करनी चाहिए कि किसके नंबर है, किसने कॉल करा, कब कॉल करा, उन्होंने तो नंबर और नाम उजागर कर दिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंजाब में आपकी सरकार है, आप जांच करा रहे हैं? पंजाब में आपकी सरकार है, आपने जांच कराई उसकी? मैं कह रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद उसका इफेक्ट देखने को मिला ऑपरेशन लोटस का। हमारे एमएलए और सिटिंग एमपी को बीजेपी ने तोड़ दिया, वो चले गए 25-25 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में। उसका एग्जांपल तुरंत सामने आ गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 5 मिनट बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सच्चाई सामने आ गई। हरी जी उत्तर दीजिए, हरी जी उत्तर दीजिए। चला गया ऑपरेशन हो गया। हरी जी का उत्तर सुन लीजिए। सिर्फ गजब लॉजिक है, देखिए पंजाब कह रहे हमें नाम दिए, हमने भाई पंजाब में सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारे पास, सीएडी तुम्हारे पास, अरे जाके गिरफ्तार करो ना। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला यार, मैंने अरे सब तुम्हें चाहिए होते ना हर बार, सबूत तुम्हें चाहिए होते हर बार, अब सबूत दे दिया। नहीं हरीश जी एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही जा रही है कि पंजाब में कल आम आदमी पार्टी के एक विधायक, एक सांसद ने आपकी पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन की है। घनेन्द्र जी कह रहे हैं उन्हें खरीदा गया है। ये कहते रहो नो, मनोहर कहानियां गढ़ रहे हैं, खरीदा गया उनसे पूछ लीजिए कि कितने में खरीदा। कहीं सवाल ये है कि इनके सामने बताऊं है क्या, इनके लोग बताऊं है क्या, कभी इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अब जवाब तो देने दीजिए ना उनको। अरे भाई हमारे एक एमपी एमएलए तोड़ के चला गया, इनके पास 25-25 करोड़ नहीं बोला। ठीक है, आपके आरोप सुन लिए हमने, समझ में आ गए सबके। हरीश जी उसी का जवाब दे रहे थे जी। हरीश जी, धनेन्द्र जी का हालत देखिए, इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनके विधायक बिकाऊंगे, मतलब जो व्यक्ति इनके साथ है, मतलब वो कह रहे हैं कि बिकाऊंगे, ले जाओ। गजब लॉजिक है यार, थोड़ा सोचा करियो क्या बोल रहे हो, कि जब तक तुम्हारे साथ थे 25 करोड़ बिक गए वो, मतलब ऐसे लोगों को तुमने रखा हुआ था। गजब लॉजिक देते हैं, मुझे सवाल इसी बात का है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, हमने आरोप लगाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे भैया गिरफ्तार करो ना उस व्यक्ति को, सामने लाओ उस व्यक्ति को, कौन सा बीजेपी का आदमी है, गजब लॉजिक देते हो। अरे बाबा पुलिस तुम्हारी है ना? जी, एक सवाल इस पे बनता है। जो पार्टी ये कहती है कि भगत सिंह हमारे आदर्श है, हम तो सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, क्या किसी के फोन कॉल से डर के वो पार्टी ही छोड़ देगी, विचारधारा ही छोड़ देगी, रास्ता बदल देगी? ऐसे नेता है क्या पार्टी में? क्या ऐसा इंप्रेशन चला जाएगा आम आदमी पार्टी अगर ये एलिगेशन लगातार लगाती रही तो? देखिए रवि, हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल लोहे के बने हुए। आपसे नहीं है, आपसे नहीं है सर, शंभुनाथ जी से है कि इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है? ये सवाल यही था, क्योंकि हो तो यही रहा है दरअसल। देखिए आम आदमी जब पार्टी जब बनी थी तो बहुत सारे उन्होंने आदर्श गढ़े थे, उनमें एक यही था कि अब जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक तरफ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगती है, दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह की लगती है, तो कम से कम इन दोनों के आदर्शों पर तो चलना चाहिए। आदर्श का मतलब अगर आपको लगता है कि आपके विधायक फोड़े जा रहे हैं, तो पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है। हम दिल्ली मान सकते हैं कि दिल्ली में पुलिस आपकी नहीं है, हो सकता है पुलिस के अधिकारी आपकी बात ना सुनते हो, माना जा सकता है, लेकिन पंजाब में तो ऐसा संभव नहीं है। पंजाब में तो पुलिस आपकी है, तो उनको जांच करानी चाहिए अपने स्तर पर, और अगर ये आरोप है तो यहाँ बताना चाहिए पुलिस में, बजाय रिपोर्ट नहीं, अगर उनको लगता है पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो यहाँ बताएं तो सही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस को बताएं। अब इतना मीडिया इस तरह तो नहीं, अजीब बात हो गई कि आपकी सरकार की पुलिस ही आपकी रिपोर्ट ना लिखे। भाई पंजाब में एफआईआर लॉन्च की जा सकती है, जांच की जा सकती है, कमीशन बिठाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस बीच गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गोवा के 4 बड़े नेताओं को जारी किया है समन। ईडी ने समन जारी कर आज पेशी के लिए बुलाया है। तो गोवा में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिक्कतें, परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही। और विवेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है, और गोवा के आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त ईडी के रडार पर नजर आ रहे हैं, क्या कनेक्शन जुड़ता दिखता है? देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता जो गोवा के हैं वो ईडी की रेडार पे है, और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जिस तरह से बताया गया था कि 45 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव के दौरान गोवा में दिए गए थे, तो उसको लेकर सवाल जवाब जो है वो ईडी करना चाहती है। तो लगातार इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सूत्र बताते हैं कि पूछताछ की गई थी, लेकिन ये भी ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन्हें रौजावंडी कोर्ट में 6 दिन की कस्टडी के बाद पेश किया जाएगा। और
एक बार फिर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में बताएगी कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, इसके चलते ठीक है बिल्कुल तो लेनी है। इसी के चलते सबकी नजरें रहेंगी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ, आपके पास भी हम लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका, जीत भाटिया हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और हमारे मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। अंदर हूं बाहर। अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर, और ऐसे में एक बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे और यह खुलासा मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ हो सकता है, इस पर है हमारी नजर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल कोर्ट में आज बड़ा खुलासा करने वाले, और यह खुलासा वो पेशी के बाद करेंगे। यह दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही। जी हां, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पीआईएल पर बड़ी सुनवाई है। पीआईएल में सीएम को पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या आज दिल्ली शराब घोटाले का सच सामने आएगा, इसी पर होगी बड़ी बहस। मेहमानों से करेंगे चर्चा भी, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी ब्रेकिंग बड़े अपडेट के साथ। कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है, केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया था, क्या होगा वो खुलासा, इस पर है निगाह। तो केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं, सुनीता केजरीवाल ने यह बात कही थी और सबकी नजरें इसी बात पर है कि क्या वो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले में कही जा सकती है। हमारे यहां रेडमारी मात 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कल जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे, आज का दिन मुकर्रर किया गया इस खुलासे के लिए, ऐसा सुनीता केजरीवाल का दावा है। रिमांड के आखिरी दिन क्या खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज कोर्ट में बड़े खुलासे की बात की गई है सुनीता केजरीवाल की तरफ से, यह खुलासा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। सुनीता का दावा, घोटाले का पैसा कहां है, इसकी जानकारी देंगे। मनी ट्रेल जिसका जिक्र लगातार ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, मुमकिन है उससे जुड़ा कोई बड़ा दावा आज सामने आए। ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल का आज 7वां दिन है। बिल्कुल, और आज रिमांड वैसे खत्म हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ईडी रिमांड खत्म होने पर केजरीवाल की पेशी होगी आज, तो अदालत की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी, तो इस पेशी पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक हम देंगे कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ है ही, जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा भी ईडी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, साथ ही हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, शंभुनाथ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते विवेक शर्मा के पास चलते हैं। विवेक, आज ईडी में क्या हलचल होगी?
बात की जाए तो 6 दिन की कस्टडी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को रावजनी कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। उनको 6 दिन की 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख को रावजनी कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। तो अभी ईडी ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी ईडी को सबूत मिले थे उसके आधार पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर ईडी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल विवेक तो ईडी अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हो सकता है, जितेंद्र भाटी, इस पर सबकी नजरें हैं क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है सुनीता केजरीवाल ने कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? बिल्कुल देखिए, आज जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी को तो ये बताना ही होगा कि पिछले दिनों जो रिमांड थी उनकी, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक की, उसके बीच क्या कुछ उनसे पूछताछ की गई, आगे रिमांड चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से खुलासा करेंगे, खुलासा इस बात को लेकर के है जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद में उनसे मिलने की अनुमति उन्हें मिली थी, वो ये बताएंगे कि आखिर ये कथित घोटाला है क्या और जिस पैसे की बात की जा रही है, मनी ट्रेल की बात की जा रही है, वो पैसा कहाँ है। देखिए, जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक का वो ये है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी शरद को लेकर के जो रेड्डी है उसको लेकर के सवाल उठाती रही है कि वो भी इस मामले में आरोपी था। उसकी तरफ से जब वो गवाह, उसके रेड पड़ी, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया और फिर वो उस मामले में गवाह बन जाता है और इसका फायदा उसको मिलता है, गवाही का उसको जमानत मिल जाती है, तो इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या खुलासे होंगे ये, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा कैसे कहां ये खुलासा होगा, इस पर हमारी नजर होगी। घनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। घनेन्द्र जी, ये कैसा खुलासा होने जा रहा है, ऐसा खुलासा जिसके लिए आप लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले वो गिरफ्तार हो उसके बाद आप लोग खुलासा करें? देखिए समीर जी, ईडी की कस्टडी में अभी मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी ने संदेश भिजवाया है कि वो आज कोर्ट के सामने कई चीजों का खुलासा करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी होंगी क्योंकि 7 दिन से वो ईडी की कस्टडी में है, तो 7 दिन से हो सकता है कि ईडी की कस्टडी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको उनके नॉलेज में आई हो, कुछ ऐसी चीजें उनके जिक्र में आई हो और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक रह गई होंगी उन सबका कोर्ट में के सामने खुलासा होगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको भी इंतजार करना चाहिए, मुझे भी इंतजार करना चाहिए और पूरे देश को इंतजार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पहले से पता थी, ये ऐसी कोई बात होगी जो कि ईडी की 7 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पता चली है। देखिए ये भी हो सकता है और कुछ बात अगर मान लो इस जो सो कॉल्ड एक्साइज लीकर स्कैम है इससे जुड़ी अगर कुछ बात होगी तो हमें कोर्ट तक का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। और दूसरी बात समीर जी, अभी आपके संवाददाता जितेंद्र भाटी जी ने बोला और पिछले 3 दिन से मैं और आप कई बार चर्चा में बैठ चुके हैं, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि शरद रेड्डी से आपका रिश्ता क्या है, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलवाई? ठीक है, आपने हरीश खुराना जी 60 करोड़ रुपए लिए तो ईडी, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के सामने आपके सवाल आपने रख भी दिए और साथ ही हरीश जी मैं भी एक सवाल कर देता हूं, आज जो खुलासा होने वाला है क्या आप लोग घबराए हुए उसे, क्योंकि वो तो साफ कह रहे कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पैसा कहां गया ये आज पता चल जाएगा। देखिए 1.5-2 साल से केस चल रहा है, पिछले 7 दिन से रिमांड पर हैं, 6 महीने से इनको समन पे समन आ रहे हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान तब नहीं आया कि क्या खुलासा करना है, अचानक से जब जेल में गए जेल से उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान आया और कोई खुलासा करने जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल के जरिए खुलासा नहीं कर रहे, खुद अपने जरिए अपने कोर्ट रूम में खुलासा करेंगे। कारण क्या है कि इनको लग रहा था कि इनके जेल जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेल हो चुका है, लोग उल्टा खुश हैं इनके जेल जाने से। अब चूंकि ये मीडिया में बने रहना है और अरविंद केजरीवाल जी को वहां पे दिखाना है कि मैं भी हूँ, मैं भी वहां पे हूँ, इसलिए वो कोर्ट रूम से करे ताकि आपका टॉकिंग पॉइंट बना रहे, पूरे दिन ये चलता रहे कि क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन सच्चाई ये है जो अभी गणेंद्र जी बोल रहे थे कि उन्होंने बोलना वही है जो पिछले 4 दिन से इनके प्रवक्ता रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं, रेड्डी रेड्डी करी जा रहे हैं। सच्चाई ये है, अभी जो कह रहे मेरा जवाब नहीं आया, ठेके तुम दो, बेनिफिट तुम दो, सब कुछ तुम करो है और आप आरोप लगाओ कि हमने रिश्वत खाई। सवाल ये है शरद चंद्र रेड्डी की जो ये बातें कर रहे हैं इनसे ये पूछिए कि उनकी बेल क्यों मिली, उनको बेल मिली थी हेल्थ ग्राउंड के ऊपर,
हेल्थ ग्राउंड के ऊपर तो सत्येंद्र जैन को भी मेल मिली थी और का विरोध ईडी ने नहीं किया था, तो इसका मतलब कोई रिश्ता क्या कहलाता है, जरा ये भी सत्येंद्र जैन से मतलब बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन ने भी कोई सेटिंग की थी क्या। इसलिए मेरा कहना है कि ये उल जुलूल बातें जो ये कर रहे हैं ना, ठीक है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनको इनके पास कोई बेस नहीं है। अगर इतना बेस है तो जाके कोर्ट में रख दे कि हमें ये भ्रम ज्ञान हमें आया था, ये कोर्ट में रखा है और कोर्ट इसका संज्ञान ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभुनाथ जी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे केस के दो पक्ष हैं, एक तो कानूनी पहलू है और एक दूसरा पब्लिक परसेप्शन, जिसके राजनीति में बड़े मायने होते हैं, वो क्या जाता नजर आ रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से लगातार अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, अब बड़े खुलासे की बात की जा रही है। देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जेल से निर्देश दे रहे हैं जी, उसे पब्लिक में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री लोग जेल में गए, हेमंत सोरेन जी अभी गए, इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद नहीं सरकार से इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। अभी सुनीता जी जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी बैठी हैं, और वो जबकि वो मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुई, या तो घोषित कर दिया जाए, कुछ तो करना चाहिए, तब तक बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरे, अभी उन्होंने कहा है कल या परसों कि कुछ जयचंदों की वजह से मुझे मेरी गिरफ्तारी हुई, तो जयचंद कौन है ये तो उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि जयचंद का मतलब होता है कि हमारे ही घर से किसी ने गद्दारी करी है, जयचंद का यही अर्थ होता है ना, घर का भेदी। बिल्कुल, तो आखिर क्या पार्टी के लोग ही उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये उनको पहले भी बताना चाहिए था, आज वो कौन सा ऐसा खुलासा कर देंगे? और इसमें बीजेपी एक सवाल लगातार करती रही है, कल भी ये सवाल उठा था कि आपके तमाम करीबी जो हैं जेल में गए, तब आपने कोई खुलासा नहीं किया, जब आप हिरासत में हैं, आप गिरफ्तार हुए हैं, तभी आपको समझ में आया कि कोई ऐसा खुलासा करना चाहिए। क्या कोई तथ्य जो उनको पता था उसको अब तक उन्होंने इसलिए रखा था कि अपनी बारी आएगी तब उसको खोलेंगे? ये भी एक बीजेपी सवाल उठा रही है, अब लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे। घनेंद्र जी, आप इस पर उत्तर जरूर दीजिएगा। और देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं पैम्फलेट और 31 मार्च को महारैली में आने की अपील। 31 मार्च को रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, और पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो देखिए, ये पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि रामलीला में पहुंचिए, जो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ आने के लिए कहा गया है, कई नेताओं ने इसमें समर्थन भी जताया है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी शालिनी की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे आरटीओ मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिल्ली पुलिस देखिएगा किस तरह से यहां से हटा रही, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहां से लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहां से हटाया है, बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, सबको यहां से ले जाने के लिए यहां से सबको उठाया गया है। जहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आईटीओ प्रदर्शन कर रहे थे आईटीओ के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पर, और ये पंपलेट बांट रहे थे लोगों के बीच में। महारैली जो होनी है 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, उसको पंपलेट बांट रहे थे वो, और ये जो अपना बैनर नुमाई पहन कर आए थे जिसमें लिखा हुआ था मैं भी केजरीवाल। और आप देखिए दिल्ली विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, दिल्ली पुलिस इनको यहां से गिरफ्तार कर रही है, इनको यहां से हटा रही है। देखिएगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ किस तरह से दिल्ली पुलिस इनको यहां से हटा रही है। ये देखिए कैसे यहां पर हम जिंदाबाद लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। यहाँ पर जब कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है वो तस्वीरें देखिए, और यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली पुलिस जो है उनको गाड़ी में ले गए कुछ लोगों को, और ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कैसे लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो तस्वीरें देखिए आप, वो तस्वीर देखिए लेकर जा रही है, और लोग कार्यकर्ता जो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और उधर तम जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, सबको दिल्ली पुलिस यहाँ से हटा रही है। और ये जो महिला कार्यकर्ता थी वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुँची है और उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये
आरटीओ मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 2 जहां पर ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। और देखिए बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का कहना है कि घोटालों के बाद आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता जीरो हो चुकी है। तो वहीं आप नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इनकी विश्वसनीयता जीरो हो गई है। बचा ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया, 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, क्यों मुनाफाखोरी हुई, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें इजाज़त दी गई, क्यों नए नए जोन्स खोले गए, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। वो पुराना शेर है ना, तू इधर उधर की बात ना कर, तो बता कि कारवां क्यों लुटा। साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पोलिटिकली मोटिवेटेड और मैलाफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। तो बयानों का दौर लगातार चल रहा है। घनेन्द्र जी, सवाल आपसे ही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह के सरकार चलाएंगे, ये आप लोगों ने स्टैंड लिया, ये किस आधार पे लिया? क्योंकि इसको लेकर एक चुनौती भी दी गई है। क्या दिल्ली के लोगों, दिल्ली के हित में नहीं होता कि फिलहाल कोई एक्टिंग सीएम बना दिया जाता? और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई ऐसी, आप लोग तैयार हैं कोई नया सीएम ढूंढने के लिए? क्या तरीका होगा उसका? देखिए रवि, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल दिल्ली की सरकार चलाने का मैंडेट दिया और बहुत मजबूत मैंडेट है। 70 में से 62 सीटें दी थी दिल्ली के लोगों ने और कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार 5 साल चलाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए लगा के रोज देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है। नहीं, रोज ये बात आप देखिए, ये बात हमारे कार्यक्रम में आप जब भी आते हैं यही बात कहते हैं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है कि भाई दिल्ली को एक एक्टिव सीएम चाहिए जो बाहर रहे, जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे। अगर केजरीवाल जेल में है तो बाहर जो सरकार है वो ठीक से कैसे फंक्शन करेगी? इसका क्या फॉर्मूला या क्या मैजिक है आप लोगों के पास? दुनिया में हमने अभी तक नहीं देखा, आप इसको कैसे करने जा रहे हैं? रवि, पहली बात तो केजरीवाल जी जेल में नहीं है, केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है, ठीक है। हाँ, और ठीक, दूसरी बात, चलिए, देश में संविधान में कानून में कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। सर, बात केजरीवाल की नहीं है, बात है दिल्ली की जनता की, उनके हितों की। वो मुख्यमंत्री जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे या कानूनी तौर से। रवि, अरविंद केजरीवाल जी जितने बाहर खतरनाक थे उससे ज्यादा कई खतरनाक वो ईडी की कस्टडी में। ईडी की, ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जितने खतरनाक बाहर नहीं थे उतने खतरनाक अंदर हैं। समझ रहे हैं हरीश खुराना साहब, इसका मतलब क्या है? और बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई कानून में पूरी छूट है, जब तक वो दोषी नहीं साबित हो जाते तब तक वो जेल से सरकार चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली के एलजी का एक बहुत सधा हुआ बयान हमने सुना जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने दी जाएगी, इसका क्या मतलब है हरीश जी? समीर, टेक्निकली आप कह सकते हो कि वो सरकार चला सकते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखिए ये फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बार बार कई दस्तावेज जो होते हैं वो थोड़े सीक्रेट दस्तावेज होते हैं जो सीएम को एक्सेस होते हैं। अब बिना दिखाए हुए, बिना जेल अथॉरिटीज को दिखाए हुए या ईडी के अथॉरिटीज को दिखाए हुए आप सीएम के आगे नहीं रख सकते। वो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। लेकिन सवाल एक दूसरा भी उठता है। नहीं, ये बात अलग है ना हरीश जी, थोड़ा सा इसी पर बात कर लें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिल्ली के एलजी कह रहे हैं जेल से नहीं चलने दी जाएगी दिल्ली की सरकार, इसका क्या मतलब है? क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए समीर भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था, दो चीजें इसके अंदर एस्पेक्ट में, एलजी की बात पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं याद करिए ये लोग क्या कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे ना तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, उसके बाद जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद पे आई तो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, ये है इन लोगों की वो। और एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने पिताजी का, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के,
जी। 3 लाख रुपए का आरोप लगा था उनके ऊपर हवाला के जरिए, जो 3 लाख रुपए का आरोप मिनट से पहले ठोकर मार दी थी सीएम शिप को, इसलिए ये ज्ञान जो देते ना बहुत इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये उदाहरण अब जो एलजी साहब ने आपने कही, देखिए वही मेरा कहना है, एलजी साहब इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक भी है दिल्ली के, वो एश्योर करेंगे कि कहीं कोई ये बहुत 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 एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल और दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में है, वो बेहतर उत्तर बता पाएंगे। सर, जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर पद लेता है तो उसमें लिखा रहता है कि यह पद और गोपनीयता की शपथ है, यह साफ साफ है। तो शंभुनाथ जी, अगर जेल से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जेल के मैनुअल के हिसाब से वो चेक होंगे, क्या संविधान में उस शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? और ऐसी स्थिति में संविधान में शपथ के प्रावधान की रक्षा करना किसका दायित्व है? रवि, निश्चित तौर पर यह संविधान का उल्लंघन ही माना जाएगा। अब कितना कहा जाए कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार चलाने का कोई निषेध है, लेकिन इसके पहले एक लोकतंत्र में कुछ उदाहरण भी होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। इसके पहले बिहार में लालू जी जब जेल गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, उसी तरह अभी हेमंत सोरेन जी जब ईडी के गिरफ्तार किए गए तब भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था और एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ था। आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत है, उसका एक विधायक दल है, तो क्यों ना बेहतर रहे कि बजाय सुनीता जी जिस तरह उन्हें निर्देश दें कि आम आदमी पार्टी अपने विधायक मंडल से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे और वो फैसला करे। नहीं तो आपने सुना ना घनेन्द्र जी को दो बातें कही कि चलेगी सरकार जेल से ही और जेल में और ज्यादा खतरनाक है। नहीं तो ये स्टैंड क्या बताता है? ये राजनीतिक समझ बताता है, ये लोकतांत्रिक पैटर्न बताता है या कुछ और बता रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये और खतरनाक है, जितना खतरनाक वो बता रहे मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा खतरनाक है कि दिल्ली की जनता का जो मुख्यमंत्री सरकार चुनी उसका ही उल्लंघन है कि आप अपनी सरकार के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर रहे, क्यों ना किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सुनीता जी के बजाय किसी को और को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाए। सुनीता जी तो अभी या तो घोषित दें कि सुनीता जी मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक है, वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तक ऐसी ना कोई घोषणा है ना इसके आसार जताए गए हैं पार्टी के किसी नेता के तरफ से। सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी करती हैं और बताती हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है। अब एक और अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की तरफ से दरअसल एक बड़ा दावा किया गया। आम आदमी पार्टी विधायकों को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल, विधायकों को कहा जा रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, विधायकों को धमकी, नहीं आए तो खैर नहीं, बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है, ये कहा गया है संदीप पाठक की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले भी जब जब इस तरह के आरोप लगे जितेंद्र, बीजेपी ने कहा सबूत दीजिए, इस बार सबूतों के साथ आरोप लगाने वाली है पार्टी, ये माना जाए क्या? बिल्कुल, देखिए इस तरह से पहले भी है और एक बार इस मामले को लेकर सबूत रखे गए थे, बहुत शुरुआत की बात है, लेकिन बाद में जो है से बयान आए। अगर मैं बात करूं कल भी, देखिए आम आदमी पार्टी के जो 3 विधायक हैं पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है, और उसके ठीक थोड़ी देर बाद खबर ये आई कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, साथ एक विधायक ने भी ज्वाइन कर ली। अब जो संदीप पाठक हैं आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, साथ ही संगठन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया कि ऐसे बहुत सारे विधायकों को कॉल्स आ रही हैं, उन्हें धमकाया भी जा रहा है, उन्हें प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है कि आप आइए आपको सब कुछ मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप पहले भी लगाती रही है और देखिए वो आरोप फिर से एक बार सामने आ रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश खुराना जी, इस पर एक रिएक्शन आपका, आखिर ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का फायदा आपकी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, इस पर जवाब भाई। समीर भाई, आम आदमी पार्टी के लोग रोज उठते हैं, सुबह उठते हैं और एक नई मनोहर कहानियां गढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मनोहर कहानियां बोलूंगा, पिछले 3-4 बार से बोल चुके हैं कि ऑपरेशन लुटस हो रहा है, ऑपरेशन लुटस हो रहा है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं दिया। हमने तो उल्टा पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन भी की थी, याद करिए पुलिस कमिश्नर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे और कंप्लेन भी की थी, नाम बताया, ऐसा झूठा आरोप मत लगाया, हिम्मत है तो नाम बताइए किसका फोन आया था, किसको किसको फोन किया, किसने फोन किया, जैसे बताएं, लेकिन ये बता नहीं पाए।
सवाल यही उठता है कि प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं असलियत क्या है। असलियत ये था कि इनको लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि अगर केजरीवाल अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी सिंपैथी मिलेगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे। कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इसी का मैं एग्जांपल 10 सेकंड और कल यादव सौरभ यादव ने कहा था कि मेरी आम आदमी अरविंद केजरीवाल की आज्ञा सड़कों पर, और जो हम सेशन बुला रहे हैं, क्या हुआ? 2.5 मिनट के अंदर सेशन खत्म कर दिया। ठीक है, कहां गई वो आज्ञा? ठीक है, कहां गई अरविंद केजरीवाल? धनेंद्र जी, धनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के विधायक इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। धनेंद्र जी, अपने कार्यक्रम के माध्यम से समीर 10 सेकंड और दीजिए, मैं जो पूरी कंप्लीट करने। ठीक है, करी करी। कल आपने नोटिस किया होगा, इनके 62 MLA हैं, और जो विधानसभा के अंदर जब सेशन हुआ था, 42 MLA थे सिर्फ, 42, 20 कहां चले गए? इनको यही प्रॉब्लम है कि कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो इधर उधर ना भाग दे, सिर्फ यही प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। घनेन्द्र जी, टीवी 9 भारतवर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह अवसर देता है, उन लोगों के नाम बताइए जो आपके विधायकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं तो एकदम खुला आपको अवसर दे रहा हूं, आप पूरे देश को बताइए ना, अभी बता दीजिए किस्सा खत्म हो जाएगा, ये लाजवाब हो जाएंगे। रवि, मुझे आप 60 सेकंड दो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ जेल से सरकार कैसे चलेगी, वो थ्योरी बताता हूँ। देश में सर, मेरे सवाल का पहले उत्तर दीजिए, उसका दे लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि ये बड़ा गंभीर आरोप है कि फोन कॉल करके धमकी दी जा रही है। आप एकदम अपॉर्चुनिटी है, आप ये मत कहिए कि आपको मौका नहीं मिला। बताइए नाम टीवी 9 भारतवर्ष को। कल हमारे पंजाब के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम और टेलीफोन नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर करे हैं। अब भारत की सरकार को इनकी एजेंसीज को उसकी जांच करनी चाहिए कि किसके नंबर है, किसने कॉल करा, कब कॉल करा, उन्होंने तो नंबर और नाम दोनों उजागर कर दिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंजाब में आपकी सरकार है, आप जांच करा रहे हैं? पंजाब में आपकी सरकार है, आपने जांच कराई उसकी? मैं कह रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद उसका इफेक्ट देखने को मिला ऑपरेशन लोटस का। हमारे MLA और सिटिंग MP को BJP ने तोड़ दिया, वो चले गए 25 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में। उसका एग्जाम्पल तुरंत सामने आ गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 5 मिनट बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सच्चाई सामने आ गई। हरी जी उत्तर दीजिए, हरी जी उत्तर दीजिए। चला गया ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हरी जी का उत्तर सुन लीजिए। गजब लॉजिक है, देखिए पंजाब कह रहे हमें नाम दिए, हमने भाई पंजाब में सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारे पास, CID तुम्हारे पास, अरे जाके गिरफ्तार करो ना। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला यार, मैंने अरे सबूत तुम्हें चाहिए होते हर बार अब सबूत दे दिया। नहीं हरीश जी एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही जा रही है कि पंजाब में कल आम आदमी पार्टी के एक विधायक, एक सांसद ने आपकी पार्टी यानी BJP ज्वाइन की है। घनेन्द्र जी कह रहे हैं उन्हें खरीदा गया है। अरे ये कहते रहो, नो मनोहर कहानियां गढ़ रहे हैं। खरीदा गया, उनसे पूछ लीजिए कितने में खरीदा। सवाल ये है कि इनके सामने बताऊं है क्या, इनके लोग बताऊं है क्या, जवाब तो देने दीजिए ना उनको। अरे भाई हमारे एक MLA तोड़ के चला गया, इनके पास ठीक है, आरोप सुन लिए हमने, समझ में आ गए सबके। हरीश जी उसी का जवाब दे रहे थे जी। हरीश जी, धनेन्द्र जी का हालत देखिए, इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनके विधायक बिकाऊंगे, मतलब जो व्यक्ति इनके साथ है, मतलब वो कह रहे हैं कि बिकाऊंगा, ले जाओ। गजब लॉजिक है यार, थोड़ा सोचा करियो क्या बोल रहे हो, कि जब तक तुम्हारे साथ थे 25 करोड़ बिक गए वो, मतलब ऐसे लोगों को तुम्हें रखा हुआ था। गजब लॉजिक देते हैं, मुझे सवाल इसी बात का है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, हमने आरोप लगाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे भैया गिरफ्तार करो ना उस व्यक्ति को, सामने लाओ उस व्यक्ति को, कौन सा BJP का आदमी है। गजब लॉजिक देते हो, अरे बाबा पुलिस तुम्हारी है ना। जी एक सवाल अब इस पे बनता है, जो पार्टी ये कहती है कि भगत सिंह हमारे आदर्श है, हम तो सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, क्या किसी के फोन कॉल से डर के वो पार्टी ही छोड़ देगी, विचारधारा ही छोड़ देगी, रास्ता बदल देगी? ऐसे नेता हैं क्या पार्टी में? क्या ऐसा इंप्रेशन चला जाएगा आम आदमी पार्टी अगर ये एलिगेशन लगातार लगाती रही तो? देखिए रवि, हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल लोहे के बने आपसे नहीं है, आपसे नहीं है सर, शंभुनाथ जी से है, शंभुनाथ जी से है कि इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है? ये सवाल यही था, क्योंकि हो तो यही रहा दरअसल। देखिए आम आदमी जब पार्टी जब बनी थी तो बहुत सारे उन्होंने आदर्श गढ़े थे, उनमें एक ही था कि अब जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक तरफ
संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगती है, दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह की लगती है, तो कम से कम इन दोनों के आदर्शों पर तो चलना चाहिए। आदर्श का मतलब अगर आपको लगता है कि आपके विधायक फोड़े जा रहे हैं तो पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है। हम दिल्ली में मान सकते हैं कि दिल्ली में पुलिस आपकी नहीं है, हो सकता है पुलिस के अधिकारी आपकी बात ना सुनते हो, माना जा सकता है, लेकिन पंजाब में तो ऐसा संभव नहीं है। पंजाब में तो पुलिस आपकी है, तो उनको जांच करानी चाहिए अपने स्तर पर, और अगर ये आरोप है तो यहाँ बताना चाहिए पुलिस में, बजाय रिपोर्ट नहीं, अगर उनको लगता है पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो यहाँ बताएं तो सही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस को बताएं। अब इतना मीडिया इससे तो नहीं, अजीब बात हो गई कि आपकी सरकार की पुलिस ही आपकी रिपोर्ट ना लिखे। भाई पंजाब में FIR लॉन्च की जा सकती है, जांच की जा सकती है, कमीशन बिठाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस बीच गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गोवा के 4 बड़े नेताओं को जारी किया है समन। ईडी ने समन जारी कर आज पेशी के लिए बुलाया है। तो गोवा में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही। और विवेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विवेक क्या जानकारी मिल रही है, और गोवा के आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त ईडी के रडार पर नजर आ रहे हैं, क्या कनेक्शन जुड़ता दिखता है? देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता जो गोवा के हैं वो ईडी की रेडार पे है और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जिस तरह से बताया गया था कि 45 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव के दौरान गोवा में दिए गए थे, तो उसको लेकर सवाल जवाब जो है वो ईडी करना चाहती है। तो लगातार इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सूत्र बताते हैं कि पूछताछ की गई थी, लेकिन ये भी ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन्हें राजभवन कोर्ट में 6 दिन की कस्टडी के बाद पेश किया जाएगा और एक बार फिर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में बताएगी कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, इसके चलते ठीक है बिल्कुल तो लेने हैं। इसी के चलते सबकी नजरें रहेंगी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ, आपके पास भी हम लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका, जीत भाटिया हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और हमारे मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शराब घोटाले का पैसा है कहां, अरुण जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। अंदर हूँ तो बाहर। अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर, और ऐसे में एक बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे और यह खुलासा मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस पर है हमारी नजर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल कोर्ट में आज बड़ा खुलासा करने वाले, और यह खुलासा वो पेशी के बाद करेंगे। यह दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही। जी हां, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक PIL पर बड़ी सुनवाई है। PIL में CM को पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या आज दिल्ली शराब घोटाले का सच सामने आएगा, इसी पर होगी बड़ी बहस। मेहमानों से करेंगे चर्चा भी, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी ब्रेकिंग बड़े अपडेट के साथ। कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया था, क्या होगा वो खुलासा, इस पर है निगाह। तो केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल ने यह बात कही थी और सबकी नजरें इसी बात पर है कि क्या वो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले में कही जा सकती है। हमारे यहां रेड मारी, मात 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां?
अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कल जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे। आज का दिन मुकर्रर किया गया इस खुलासे के लिए, ऐसा सुनीता केजरीवाल का दावा है। रिमांड के आखिरी दिन क्या खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज कोर्ट में बड़े खुलासे की बात की गई है सुनीता केजरीवाल की तरफ से। यह खुलासा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। सुनीता का दावा, घोटाले का पैसा कहां है, इसकी जानकारी देंगे। मनी ट्रेल जिसका जिक्र लगातार ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, मुमकिन है उससे जुड़ा कोई बड़ा दावा आज सामने आए। ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल का आज सातवां दिन है। बिल्कुल, और आज रिमांड वैसे खत्म हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ईडी रिमांड खत्म होने पर केजरीवाल की पेशी होगी आज, तो अदालत की कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी, तो इस पेशी पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक हम देंगे कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चलती है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ है ही, जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा भी ईडी ऑफिस से जुड़े, साथ ही हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, शंभुनाथ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते विवेक शर्मा के पास चलते हैं। विवेक, आज ईडी में क्या हलचल होगी? बात की जाए तो 6 दिन की कस्टडी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को राउजनी कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। उनको 6 दिन की 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख को राउजनी कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। तो अभी ईडी ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी ईडी को सबूत मिले थे उसके आधार पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर ईडी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल विवेक, तो ईडी अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हो सकता है, जितेंद्र भाटी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है सुनीता केजरीवाल ने कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? बिल्कुल देखिए, आज जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी को तो यह बताना ही होगा कि पिछले दिनों जो रिमांड थी उनकी, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक की, उसके बीच क्या उनसे पूछताछ की गई, आगे रिमांड चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से खुलासा करेंगे, खुलासा इस बात को लेकर के है जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद में उनसे मिलने की अनुमति उन्हें मिली थी, वो ये बताएंगे कि आखिर ये कथित घोटाला है क्या, और जिस पैसे की बात की जा रही है, मनी ट्रेल की बात की जा रही है, वो पैसा कहाँ है। देखिए, जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक का, वो ये है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी शरद को लेकर के जो रेडी है उसको लेकर के सवाल उठाती रही है कि वो भी इस मामले में आरोपी था, उसकी तरफ से जब वो गवाह, उसके रेड पड़ी, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया और फिर वो मामले में गवाह बन जाता है और इसका फायदा उसको मिलता है, गवाही का उसको जमानत मिल जाती है, तो इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या खुलासे होंगे ये, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, कैसे कहां ये खुलासा होगा, इस पर हमारी नजर होगी। घनेन्द्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। घनेन्द्र जी, ये कैसा खुलासा होने जा रहा है, ऐसा खुलासा जिसके लिए आप लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले वो गिरफ्तार हो उसके बाद आप लोग खुलासा करें? देखिए समीर जी, ईडी की कस्टडी में अभी मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने संदेश भिजवाया है कि वो आज कोर्ट के सामने कई चीजों का खुलासा करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी होंगी, क्योंकि 7 दिन से वो ईडी की कस्टडी में है, तो 7 दिन से हो सकता है कि ईडी की कस्टडी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको उनके नॉलेज में आई हो, कुछ ऐसी चीजें उनके जिक्र में आई हो और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक रह गई होंगी उन सबका कोर्ट में के सामने खुलासा होगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको भी इंतजार करना चाहिए, मुझे भी इंतजार करना चाहिए और पूरे देश को इंतजार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पहले से पता थी, ये ऐसी कोई बात होगी जो कि ईडी की 7 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पता चली है? देखिए ये भी हो सकता है, और कुछ बात अगर मान लो इस जो सो कॉल्ड एक्साइज लीकर स्कैम है इससे जुड़ी अगर कुछ बात होगी
तो हमें कोर्ट तक का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। और दूसरी बात समीर जी, अभी आपके संवाददाता जितेंद्र भाटी जी ने बोला, और पिछले तीन दिन से मैं और आप कई बार चर्चा में बैठ चुके हैं, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि शरद रेड्डी से आपका रिश्ता क्या है, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रूपए लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलवाई? ठीक है, आपने हरीश खुराना जी 60 करोड़ रूपए लिए तो ईडी, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के सामने आपके सवाल आपने रख भी दिए। और साथ ही हरीश जी मैं भी एक सवाल कर देता हूं, आज जो खुलासा होने वाला है क्या आप लोग घबराए हुए उसे? क्योंकि वो तो साफ कह रहे कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पैसा कहां गया ये आज पता चल जाएगा। देखिए 1.5-2 साल से केस चल रहा है, पिछले 7 दिन से रिमांड पर हैं, 6 महीने से इनको समन पे समन आ रहे हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान तब नहीं आया कि क्या खुलासा करना है, अचानक से जब जेल में गए जेल से उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान आया और कोई खुलासा करने जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल के जरिए खुलासा नहीं कर रहे, खुद अपने जरिए अपने कोर्ट रूम में खुलासा करेंगे। कारण क्या है कि इनको लग रहा था कि इनके जेल जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेल हो चुका है, लोग उल्टा खुश हैं इनके जेल जाने से। अब चूंकि ये मीडिया में बने रहना है और अरविंद केजरीवाल जी को वहां पे दिखाना है कि मैं भी हूँ, मैं भी वहां पे हूँ, इसलिए वो कोर्ट रूम से करे ताकि आपका टॉकिंग पॉइंट बना रहे, पूरे दिन ये चलता रहे कि क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन सच्चाई ये है जो अभी गणेंद्र जी बोल रहे थे कि उन्होंने बोलना वही है जो पिछले 4 दिन से इनके प्रवक्ता रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं, रेड्डी रेड्डी करी जा रहे हैं। सच्चाई ये है, अभी जो कह रहे मेरा जवाब नहीं आया, ठेके तुम दो, बेनिफिट तुम दो, सब कुछ तुम करो है, और आप आरोप लगाओ कि हमने रिश्वत खाई। सवाल ये है शरद चंद्र रेड्डी की जो ये बातें कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि उनकी बेल क्यों मिली, उनको बेल मिली थी हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर तो सत्येंद्र जैन को भी बेल मिली थी और उनका विरोध ईडी ने नहीं किया था, तो इसका मतलब कोई रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी सत्येंद्र जैन से मतलब बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन ने भी कोई सेटिंग की थी क्या। इसलिए मेरा कहना है कि ये कूल जरूर बातें जो ये कर रहे हैं ना, ठीक है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनको इनके पास कोई बेस नहीं है। अगर इतना बेस है तो जाके कोर्ट में रख दे कि हमें ये ब्रह्म ज्ञान हमें आया था, ये कोर्ट में रखा है और कोर्ट इसका संज्ञान ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभुनाथ जी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे केस के दो पक्ष हैं, एक तो कानूनी पहलू है और एक दूसरा पब्लिक परसेप्शन, जिसके राजनीति में बड़े मायने होते हैं, वो क्या जाता नजर आ रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से लगातार अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, अब बड़े खुलासे की बात की जा रही। देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जेल से निर्देश दे रहे हैं उसे पब्लिक में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री लोग जेल में गए, हेमंत सोरेन जी अभी गए, इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद तो नहीं सरकार से इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। अभी सुनीता जी जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी बैठी हैं, और वो जबकि वो मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुई, या तो घोषित कर दिया जाए, कुछ तो करना चाहिए, तब तक बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरे, अभी उन्होंने कहा है कल या परसों कि कुछ जयचंदों की वजह से मुझे मेरी गिरफ्तारी हुई, तो जयचंद कौन है ये तो उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि जयचंद का मतलब होता है कि हमारे ही घर से किसी ने गद्दारी करी है, जयचंद का यही अर्थ होता है ना, घर का भेदी। बिल्कुल, तो आखिर क्या पार्टी के लोग ही उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये उनको पहले भी बताना चाहिए था, आज वो कौन सा ऐसा खुलासा कर देंगे? और इसमें बीजेपी एक सवाल लगातार करती रही है, कल भी ये सवाल उठा था कि आपके तमाम करीबी जो हैं जेल में गए, तब आपने कोई खुलासा नहीं किया, जब आप हिरासत में हैं, आप गिरफ्तार हुए हैं, तभी आपको समझ में आया कि कोई ऐसा खुलासा करना चाहिए। क्या कोई तथ्य जो उनको पता था उसको अब तक उन्होंने इसलिए रखा था कि अपनी बारी आएगी तब उसको खोलेंगे? यह भी एक बीजेपी सवाल उठा रही है, अब लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे। घनेंद्र जी, आप इस पर उत्तर जरूर दीजिएगा। और देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं पैम्फलेट, और 31 मार्च को महारैली में आने की अपील। 31 मार्च को रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, और पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो देखिए, ये पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि रामलीला में पहुंचिए, जो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ आने के लिए कहा गया है, कई नेताओं ने इसमें समर्थन भी जताया है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी शालिनी की रिपोर्ट।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे आरटीओ मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिल्ली पुलिस देखिएगा किस तरह से यहां से हटा रही, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहां से लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहां से हटाया है, बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, सबको यहां से ले जाने के लिए यहां से सबको उठाया गया है। जहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आईटीओ प्रदर्शन कर रहे थे आईटीओ के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पर, और ये पंपलेट बांट रहे थे लोगों के बीच में। महारैली जो होनी है 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, उसको पंपलेट बांट रहे थे वो, और ये जो अपना बैनर नुमा पहन कर आए थे जिसमें लिखा हुआ था मैं भी केजरीवाल। और आप देखिए दिल्ली विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से गिरफ्तार कर रही है, इनको यहाँ से हटा रही है। देखिएगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ किस तरह से दिल्ली पुलिस इनको यहाँ से हटा रही है। ये देखिए कैसे यहाँ पर हम जिंदाबाद लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। यहाँ पर जब कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है वो तस्वीरें देखिए, और यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली पुलिस जो है उनको गाड़ी में ले गए कुछ लोगों को, और ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कैसे लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो तस्वीरें देखिए आप, वो तस्वीर देखिए लेकर जा रही है, और लोग कार्यकर्ता जो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और उधर तम जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए सबको दिल्ली पुलिस यहाँ से हटा रही है। और ये जो महिला कार्यकर्ता थी वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुँची है और उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये आईटीओ मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 2 जहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे। और देखिए बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का कहना है कि घोटालों के बाद आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता जीरो हो चुकी है, तो वहीं आप नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इनकी विश्वसनीयता जीरो हो गई है, बचा ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, क्यों मुनाफाखोरी हुई, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें इजाज़त दी गई, क्यों नए नए जोन्स खोले गए, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वो पुराना शेर है ना, तो इधर उधर की बात ना कर, तो बता कि कारवा क्यों लुटा। साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा। ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलाफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। तो बयानों का दौर लगातार चल रहा है। घनेन्द्र जी, सवाल आपसे ही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह के सरकार चलाएंगे, ये आप लोगों ने एक स्टैंड लिया, ये किस आधार पे लिया, क्योंकि इसको लेकर एक चुनौती भी दी गई है। क्या दिल्ली के लोगों, दिल्ली के हित में नहीं होता कि फिलहाल कोई एक्टिंग सीएम बना दिया जाता, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई ऐसी, आप लोग तैयार हैं कोई नया सीएम ढूंढने के लिए, क्या तरीका होगा उसका? देखिए रवि, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल दिल्ली की सरकार चलाने का मैंडेट दिया, और बहुत मजबूत मैंडेट है, 70 में से 62 सीटें दी थी दिल्ली के लोगों ने, और कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार 5 साल चलाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए लगा के रोज देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है। नहीं, रोज ये बात आप देखिए, ये बात हमारे कार्यक्रम में आप जब भी आते हैं यही बात कहते हैं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है कि भाई दिल्ली को एक एक्टिव सीएम चाहिए जो बाहर रहे, जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे। अगर केजरीवाल जेल में है तो बाहर जो सरकार है वो ठीक से कैसे फंक्शन करेगी? इसका क्या फॉर्मूला या क्या मैजिक है आप लोगों के पास? दुनिया में हमने अभी तक नहीं देखा, आप इसको कैसे करने जा रहे हैं? रवि, पहली बात तो केजरीवाल जी जेल में नहीं है,
केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है, ठीक है। हाँ, और ठीक दूसरी है। बात चलिए, देश में संविधान में कानून में कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। सर, बात केजरीवाल की नहीं है, बात है दिल्ली की जनता की, उनके हितों की। वो मुख्यमंत्री जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे या कानूनी तौर से, रवि अरविंद केजरीवाल जी जितने बाहर खतरनाक थे उससे ज्यादा कई खतरनाक वो ईडी की कस्टडी में। ईडी की ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जितने खतरनाक बाहर नहीं थे उतने खतरनाक अंदर हैं, समझ रहे हैं हरीश खुराना साहब, इसका मतलब क्या है? और बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई कानून में पूरी छूट है, जब तक वो दोषी नहीं साबित हो जाते तब तक वो जेल से सरकार चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली के एलजी का एक बहुत सधा हुआ बयान हमने सुना जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने दी जाएगी, इसका क्या मतलब है हरीश जी? समीर, टेक्निकली आप कह सकते हो कि वो सरकार चला सकते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखिए ये फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बार बार कई दस्तावेज जो होते हैं वो थोड़े सीक्रेट दस्तावेज होते हैं जो सीएम को एक्सेस होते हैं। अब बिना दिखाए हुए, बिना जेल अथॉरिटीज को दिखाए हुए या ईडी के अथॉरिटीज को दिखाए हुए आप सीएम के आगे नहीं रख सकते। वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन सवाल एक दूसरा भी उठता है, नहीं ये बात अलग है ना हरीश जी थोड़ा सा इसी पर बात कर लें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिल्ली के एलजी कह रहे हैं जेल से नहीं चलने दी जाएगी दिल्ली की सरकार, इसका क्या मतलब है, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए समीर भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था, दो चीजें इसके अंदर एस्पेक्ट में, एलजी की बात पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं याद करिए ये लोग क्या कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे ना तो इस्तीफा पहले होना चाहिए उसके बाद जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद पे आई तो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, ये है इन लोगों की वो। और एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मेरे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपने पिताजी का, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, 3 लाख रुपए का आरोप लगा था उनके ऊपर हवाला के जरिए, जो 3 लाख रुपए का आरोप, मिनट से पहले ठोकर मार दी थी सीएमशिप को। इसलिए ये ज्ञान जो देते ना बहुत इतना आसान नहीं होता सीएम को रिजाइन करना। ये उदाहरण अब जो एलजी साहब ने आपने कही, देखिए वही मेरा कहना है, एलजी साहब इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक भी है दिल्ली के, वो एश्योर करेंगे कि कहीं कोई ये बहुत एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल और दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो बेहतर उत्तर बता पाएंगे। सर, जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर पद लेता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये पद और गोपनीयता की शपथ है, ये साफ साफ है। तो शंभुनाथ जी, अगर जेल से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जेल के मैनुअल के हिसाब से वो चेक होंगे, क्या संविधान में उस शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? और ऐसी स्थिति में संविधान में शपथ के प्रावधान की रक्षा करना किसका दायित्व है? रवि, निश्चित तौर पर यह संविधान का उल्लंघन ही माना जाएगा। अब कितना कहा जाए कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार चलाने का कोई निषेध है, लेकिन इसके पहले एक लोकतंत्र में कुछ उदाहरण भी होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। इसके पहले बिहार में लालू जी जब जेल गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, उसी तरह अभी हेमंत सोरेन जी जब ईडी के गिरफ्तार किए गए तब भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था और एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ था। आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत है, उसका एक विधायक दल है, तो क्यों ना बेहतर रहे कि बजाय सुनीता जी जिस तरह उन्हें निर्देश दें कि आम आदमी पार्टी अपने एक विधायक मंडल से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे और वो फैसला करे। नहीं तो आपने सुना ना घनेन्द्र जी को दो बातें कही कि चलेगी सरकार जेल से ही और जेल में और ज्यादा खतरनाक है। नहीं तो ये स्टैंड क्या बताता है? ये राजनीतिक समझ बताता है, ये लोकतांत्रिक पैटर्न बताता है या कुछ और बता रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये और खतरनाक है, जितना खतरनाक वो बता रहे, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा खतरनाक है कि दिल्ली की जनता का जो मुख्यमंत्री सरकार चुनी उसका ही उल्लंघन है कि आप अपनी सरकार के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर रहे, क्यों ना किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सुनीता जी के बजाय किसी को और को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाए। सुनीता जी तो अभी या तो घोषित कर दें कि सुनीता जी मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक है, वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तक ऐसी ना कोई घोषणा है ना इसके आसार जताए गए हैं पार्टी के किसी नेता की तरफ से। सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी करती हैं और बताती हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है। अब एक और अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की तरफ से दरअसल एक बड़ा दावा किया गया है। आम आदमी पार्टी विधायकों को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल, विधायकों को कहा जा रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, विधायकों को धमकी, नहीं आए तो खैर नहीं, बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है, ये कहा गया है संदीप पाठक की तरफ से।
तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी जब जब इस तरह के आरोप लगे जितेंद्र, बीजेपी ने कहा सबूत दीजिए। इस बार सबूतों के साथ आरोप लगाने वाली है पार्टी, ये माना जाए क्या? बिल्कुल, देखिए इस तरह से पहले भी है और एक बार इस मामले को लेकर सबूत रखे गए थे, लेकिन बहुत शुरुआत की बात है, लेकिन बाद में जो है से बयान आए। अगर मैं बात करूं कल भी, देखिए आम आदमी पार्टी के जो तीन विधायक हैं पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद खबर यह आई कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, साथ एक विधायक ने भी ज्वाइन कर ली। अब जो संदीप पाठक हैं आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं और साथ ही संगठन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया कि ऐसे बहुत सारे विधायकों को कॉल्स आ रही हैं, उन्हें धमकाया भी जा रहा है, उन्हें प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है कि आप आइए आपको सब कुछ मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप पहले भी लगाती रही है और देखिए वो आरोप फिर से एक बार सामने आ रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश खुराना जी, इस पर एक रिएक्शन आपका, आखिर ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का फायदा आपकी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, इस पर जवाब भाई। समीर भाई, आम आदमी पार्टी के लोग रोज उठते हैं, सुबह उठते हैं और एक नई मनोहर कहानियां गढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मनोहर कहानियां बोलूंगा, पिछले 3-4 बार से बोल चुके हैं कि ऑपरेशन लूटस हो रहा है, ऑपरेशन लूट हो रहा है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं दिया। हमने तो उल्टा पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन भी की थी, याद करिए, पुलिस कमिश्नर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे और कंप्लेन भी की थी कि नाम बताएं, ऐसा झूठा आरोप मत लगाएं, हिम्मत है तो नाम बताइए, किसका फोन आया था, किसको फोन किया, किसने फोन किया, जरा बताएं, लेकिन ये बता नहीं पाए। सवाल यही उठता है कि प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं असलियत क्या, असलियत ये था कि इनको लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि अगर केजरीवाल अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी सिंपैथी मिलेगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इसी का मैं एग्जांपल 10 सेकंड और कल यादव सौरभ यादव ने कहा था कि मेरी आम आदमी अरविंद केजरीवाल की आज्ञा सड़कों पर, और जो हम सेशन बुला रहे हैं, क्या हुआ, 2.5 मिनट के अंदर सेशन खत्म कर दिया, ठीक है, कहां गई वो आके, ठीक है, कहां गई अरविंद केजरीवाल, धनेंद्र जी, धनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के विधायक इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, धनेंद्र जी अपने कार्यक्रम के माध्यम से, समीर 10 सेकंड और दीजिए, मैं जो कंप्लीट करने, ठीक है, करी करी, कल आपने नोटिस किया होगा इनके 62 MLA हैं और जो विधानसभा के अंदर जब सेशन हुआ था 42 MLA थे, 20 कहां चले गए। इनको यही प्रॉब्लम है कि कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो इधर उधर ना भागने, सिर्फ यही प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। घनेन्द्र जी, TV9 भारतवर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह अवसर देता है, उन लोगों के नाम बताइए जो आपके विधायकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं तो एकदम खुला खुला आपको अवसर दे रहा हूं, आप पूरे देश को बताइए ना, अभी बता दीजिए किस्सा खत्म हो जाएगा, ये लाजवाब हो जाएंगे। रवि, मुझे आप 60 सेकंड दो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ जेल से सरकार कैसे चलेगी, वो थ्योरी बताता हूँ। देश में सर मेरे सवाल का पहले उत्तर दीजिए, उसका दे लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि ये बड़ा गंभीर आरोप है कि फोन कॉल करके धमकी दी जा रही है, आप एकदम अपॉर्चुनिटी है, आप ये मत कहिए कि आपको मौका नहीं मिला, बताइए नाम TV9 भारतवर्ष को। कल हमारे पंजाब के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम और टेलीफोन नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर करे हैं। अब भारत की सरकार को इनकी एजेंसी को उसकी जांच करनी चाहिए कि किसके नंबर है, किसने कॉल करा, कब कॉल करा, उन्होंने तो नंबर और नाम दोनों उजागर कर दिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंजाब में आपकी सरकार है, आप जांच करा रहे हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, आपने जांच कराई उसकी? मैं कह रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद उसका इफेक्ट देखने को मिला ऑपरेशन लोटस का, हमारे MLA और सिटिंग MP को बीजेपी ने तोड़ दिया, वो चले गए 25-25 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में, उसका एग्जांपल तुरंत सामने आ गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 5 मिनट बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सच्चाई सामने आ गई। हरी जी उत्तर दीजिए, हरी जी उत्तर दीजिए, चला गया ऑपरेशन हो गया। हरी जी का उत्तर सुन लीजिए, गजब लॉजिक है, देखिए पंजाब कह रहे हमें नाम दिए, हमने भाई पंजाब में सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारे पास, CID तुम्हारे पास, अरे जाके गिरफ्तार करो ना। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला यार, मैंने अरे सब जांच में चाहिए होते ना, हर बार सबूत तुम्हें चाहिए होते, हर बार आप सबूत दे दिया। नहीं हरीश जी एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही जा रही है कि पंजाब में कल आम आदमी पार्टी के एक विधायक एक सांसद ने आपकी पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन की है, घनेन्द्र जी कह रहे हैं उन्हें खरीदा गया है।
ये कहते रहो नो मनोहर कहानियां गढ़ रहे हैं, खरीदा गया उनसे पूछ लीजिए कितने में खरीदा। कहिए सवाल ये है कि इनके सामने बताऊ है क्या, इनके लोग बताऊ है क्या, जवाब तो देने दीजिए ना उनको। अरे भाई हमारे एक एमपीए के एमएलए तोड़ के चला गया इनके पास 25 करोड़ नहीं बोला मैं। ठीक है, आपके आरोप सुन लिए हमने, समझ में आ गए सबके। हरीश जी उसी का जवाब दे रहे थे जी। हरीश जी, धनेन्द्र जी का हालत देखिए, इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। वो कह रहे की इनके विधायक बिकाऊंगे, मतलब जो व्यक्ति इनके साथ है मतलब वो कह रहे की बिकाऊंगे ले जाओ। गजब लॉजिक है यार, थोड़ा सोचा करियो क्या बोल रहे हो कि जब तक तुम्हारे साथ थे 25 करोड़ बिक गए वो, बस ऐसे लोगों को तुमने रखा हुआ था। गजब लॉजिक देते हैं, मुझे सवाल इसी बात का है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं हमने आरोप लगाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे भैया गिरफ्तार करो ना उस व्यक्ति को, सामने लाओ उस व्यक्ति को, कौन सा बीजेपी का आदमी है, गजब लॉजिक देते हो। अरे बाबा पुलिस तुम्हारी है ना जी। एक सवाल अब इस पे बनता है, एक सवाल इस पे बनता है। जो पार्टी ये कहती है कि भगत सिंह हमारे आदर्श है, हम तो सच्चाई के लिए ईमानदारी के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, क्या किसी के फोन कॉल से डर के वो पार्टी ही छोड़ देगी, विचारधारा ही छोड़ देगी, रास्ता बदल देगी? ऐसे नेता हैं क्या पार्टी में? क्या ऐसा इंप्रेशन चला जाएगा आम आदमी पार्टी अगर ये एलिगेशन लगातार लगाती रही तो? देखिए रवि, हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल लोहे के बने हुए हैं। आपसे नहीं है, आपसे नहीं है सर, शंभुनाथ जी से है, शंभुनाथ जी से है, ये शंभुनाथ जी से है कि इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है? ये सवाल यही था, क्योंकि हो तो यही रहा है दरअसल। देखिए आम आदमी जब पार्टी जब बनी थी तो बहुत सारे उन्होंने आदर्श गढ़े थे, उनमें एक ही था कि अब जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक तरफ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगती है, दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह की लगती है, तो कम से कम इन दोनों के आदर्शों पर तो चलना चाहिए। आदर्श का मतलब अगर आपको लगता है कि आपके विधायक फोड़े जा रहे हैं तो पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है। हम दिल्ली में मान सकते हैं कि दिल्ली में पुलिस आपकी नहीं है, हो सकता है पुलिस के अधिकारी आपकी बात ना सुनते हो, माना जा सकता है, लेकिन पंजाब में तो ऐसा संभव नहीं है। पंजाब में तो पुलिस आपकी है, तो उनको जांच करानी चाहिए अपने स्तर पर, और अगर ये आरोप है तो यहाँ बताना चाहिए पुलिस में, रिपोर्ट नहीं, अगर उनको लगता है पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो यहाँ बताएं तो सही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस को बताएं। अब इतना मीडिया इस तरह नहीं, अजीब बात हो गई कि आपकी सरकार की पुलिस ही आपकी रिपोर्ट ना लिखे। भाई पंजाब में एफआईआर लॉन्च की जा सकती है, जांच की जा सकती है, कमीशन बिठाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस बीच गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गोवा के 4 बड़े नेताओं को जारी किया है समन। ईडी ने समन जारी कर आज पेशी के लिए बुलाया है। तो गोवा में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही। और विवेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विवेक क्या जानकारी मिल रही है, और गोवा के आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त ईडी के रडार पर नजर आ रहे हैं, क्या कनेक्शन जुड़ता दिखता है? देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता जो गोवा के हैं वो ईडी की रडार पे है, और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जिस तरह से बताया गया था कि 45 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव के दौरान गोवा में दिए गए थे, तो उसको लेकर सवाल जवाब जो है वो ईडी करना चाहती है। तो लगातार इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सूत्र बताते हैं कि पूछताछ की गई थी, लेकिन ये भी ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन्हें राजभवनी कोर्ट में 6 दिन की कस्टडी के बाद पेश किया जाएगा, और एक बार फिर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में बताएगी कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, इसके चलते ठीक है बिल्कुल तो लेने हैं। इसी के चलते सबकी नजरें रहेंगी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ, आपके पास भी हम लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका, जीत भाटिया हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और हमारे मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शराब घोटाले का पैसा है कहां, अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। अंदर हूँ बाहर। अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। G20
जी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर, और ऐसे में एक बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी का कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे और यह खुलासा मनी ट्रेल से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस पर है हमारी नजर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की नजर राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि केजरीवाल कोर्ट में आज बड़ा खुलासा करने वाले, और यह खुलासा वो पेशी के बाद करेंगे। यह दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही। जी हां, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पीआईएल पर बड़ी सुनवाई है। पीआईएल में सीएम को पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या आज दिल्ली शराब घोटाले का सच सामने आएगा। इसी पर होगी बड़ी बहस, मेहमानों से करेंगे चर्चा भी। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी ब्रेकिंग, बड़े अपडेट के साथ। कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया था, क्या होगा वो खुलासा, इस पर है निगाह। तो केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल ने यह बात कही थी और सबकी नजरें इसी बात पर है कि क्या वो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले में कही जा सकती है। हमारी यहां रेड मारी, मात 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कल जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे। आज का दिन मुकर्रर किया गया इस खुलासे के लिए, ऐसा सुनीता केजरीवाल का दावा है। रिमांड के आखिरी दिन क्या खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज कोर्ट में बड़े खुलासे की बात की गई है सुनीता केजरीवाल की तरफ से। ये खुलासा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। सुनीता का दावा, घोटाले का पैसा कहां है, इसकी जानकारी देंगे। मनी ट्रेल जिसका जिक्र लगातार ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, मुमकिन है उससे जुड़ा कोई बड़ा दावा आज सामने आए। ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल का आज सातवां दिन है। बिल्कुल, और आज रिमांड वैसे खत्म हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ईडी रिमांड खत्म होने पर केजरीवाल की पेशी होगी आज, तो अदालत की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी, तो इस पेशी पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक हम देंगे कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चलती है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ है ही, जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा भी ईडी ऑफिस से जुड़े हुए हैं, साथ ही हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंभुनाथ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते विवेक शर्मा के पास चलते हैं। विवेक, आज ईडी में क्या हलचल होगी? बात की जाए तो 6 दिन की कस्टडी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। उनको 6 दिन की, 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, और उसके बाद 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। तो अभी ईडी ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी ईडी को सबूत मिले थे उसके आधार पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी, और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर ईडी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल विवेक, तो ईडी अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हो सकता है, जितेंद्र भाटी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है सुनीता केजरीवाल ने कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? बिल्कुल देखिए, आज जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी को तो ये बताना ही होगा कि पिछले दिनों जो रिमांड थी उनकी, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक की, उसके बीच क्या उनसे पूछताछ की गई, आगे रिमांड चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से खुलासा करेंगे, खुलासा इस बात को लेकर के है, जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद में उनसे मिलने की अनुमति उन्हें मिली थी,
वो ये बताएंगे कि आखिर ये कथित घोटाला है क्या, और जिस पैसे की बात की जा रही है, मनी ट्रेल की बात की जा रही है, वो पैसा कहाँ है। देखिए, जो मेरा अंदाज़ा है अभी तक का, वो ये है कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी शरद को लेकर के जो रेड्डी है उसको लेकर के सवाल उठाती रही है कि वो भी इस मामले में आरोपी था। उसकी तरफ से जब वो गवाह, उसके रेड पड़ी, गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया और फिर वो मामले में गवाह बन जाता है और इसका फायदा उसको मिलता है, गवाही का उसको जमानत मिल जाती है, तो इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या खुलासे होंगे ये, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कैसे कहां ये खुलासा होगा इस पर हमारी नजर होगी। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से। घनेंद्र जी, ये कैसा खुलासा होने जा रहा है, ऐसा खुलासा जिसके लिए आप लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले वो गिरफ्तार हो उसके बाद आप लोग खुलासा करें। देखिए समीर जी, ईडी की कस्टडी में अभी मुख्यमंत्री जी हैं। हाँ। और मुख्यमंत्री जी ने संदेश भिजवाया कि वो आज कोर्ट के सामने कई चीजों का खुलासा करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी होंगी क्योंकि 7 दिन से वो ईडी की कस्टडी में है, तो 7 दिन से हो सकता है कि ईडी की कस्टडी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनको उनके नॉलेज में आई हो, कुछ ऐसी चीजें उनके जिक्र में आई हो और कुछ ऐसी बातें जो अभी तक रह गई होंगी उन सबका कोर्ट में के सामने खुलासा होगा। तो मेरा यह मानना है कि आपको भी इंतजार करना चाहिए, मुझे भी इंतजार करना चाहिए और पूरे देश को इंतजार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पहले से पता थी, ये ऐसी कोई बात होगी जो कि ईडी की 7 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पता चली है। देखिए ये भी हो सकता है, और कुछ बात अगर मान लो इस जो सो कॉल्ड एक्साइज लीकर स्कैम है इससे जुड़ी अगर कुछ बात होगी तो हमें कोर्ट तक का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट रूम में अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। और दूसरी बात समीर जी, अभी आपके संवाददाता जितेंद्र भाटी जी ने बोला और पिछले 3 दिन से मैं और आप कई बार चर्चा में बैठ चुके हैं, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि शरद रेड्डी से आपका रिश्ता क्या है, शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लेके आपने शरद रेड्डी को बेल क्यों दिलवाई। ठीक है, आपने हरीश खुराना जी 60 करोड़ रुपए लिए तो ईडी, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के सामने आपके सवाल आपने रख भी दिए। और साथ ही हरीश जी मैं भी एक सवाल कर देता हूं, आज जो खुलासा होने वाला है क्या आप लोग घबराए हुए उसे, क्योंकि वो तो साफ कह रहे कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पैसा कहां गया ये आज पता चल जाएगा। देखिए 1.5-2 साल से केस चल रहा है, पिछले 7 दिन से रिमांड पर हैं, 6 महीने से इनको समन पे समन आ रहे हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान तब नहीं आया कि क्या खुलासा करना है, अचानक से जब जेल में गए जेल से उनको कुछ ब्रह्म ज्ञान आया और कुछ खुलासा करने जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल के जरिए खुलासा नहीं कर रहे, खुद अपने जरिए अपने कोर्ट रूम में खुलासा करेंगे। कारण क्या है कि इनको लग रहा था कि इनके जेल जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आएगा और लोग सड़कों पर आ जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेल हो चुका है, लोग उल्टा खुश हैं इनके जेल जाने से। अब चूंकि ये मीडिया में बने रहना है और अरविंद केजरीवाल जी को वहाँ पे दिखाना है कि मैं भी हूँ, मैं भी वहाँ पे हूँ, इसलिए वो कोर्ट रूम से कर रहे ताकि आपका टॉकिंग पॉइंट बना रहे, पूरे दिन ये चलता रहे कि क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन सच्चाई ये है जो अभी गणेंद्र जी बोल रहे थे कि उन्होंने बोलना वही है जो पिछले 4 दिन से इनके प्रवक्ता रटे रटाए डायलॉग बोल रहे हैं, रेड्डी रेड्डी करी जा रहे हैं। सच्चाई ये है, अभी जो कह रहे मेरा जवाब नहीं आया, ठेके तुम दो, बेनिफिट तुम दो, सब कुछ तुम करो हैं, और आप आरोप लगाओ कि हमने हमने रिश्वत खाई। सवाल ये है शरद चंद्र रेड्डी की जो ये बातें कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि उनकी बेल क्यों मिली, उनको बेल मिली थी हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, हेल्थ ग्राउंड के ऊपर तो सत्येंद्र जैन को भी बेल मिली थी और उनका विरोध ईडी ने नहीं किया था, तो इसका मतलब कोई रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी सत्येंद्र जैन से बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन ने भी कोई सेटिंग की थी क्या। इसलिए मेरा कहना है कि ये उल जुलूल बातें जो ये कर रहे हैं ना, ठीक है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, इनको इनके पास कोई बेस नहीं है। अगर इतना बेस है तो जाके कोर्ट में रख दे कि हमें ये भ्रम ज्ञान हमें आया था, ये कोर्ट में रखा है और कोर्ट इसका संज्ञान ले लेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आके पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है। शंभूनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शंभूनाथ जी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे केस के दो पक्ष हैं, एक तो कानूनी पहलू है और एक दूसरा पब्लिक परसेप्शन, जिसके राजनीति में बड़े मायने होते हैं, वो क्या जाता नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से लगातार अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, अब बड़े खुलासे की बात की जा रही है। देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से जेल से निर्देश दे रहे हैं उसे पब्लिक में कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है,
क्योंकि इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री लोग जेल में गए, हेमंत सोरेन जी अभी गए, इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद तो नहीं सरकार से इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश नहीं की। अभी सुनीता जी जिस तरह से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठी हैं, और वो जबकि वो मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुई, या तो घोषित कर दिया जाए, कुछ तो करना चाहिए, तब तक बड़ा अजीब सा लग रहा है। दूसरे अभी उन्होंने कहा है कल या परसों कि कुछ जयचंदों की वजह से मुझे मेरी गिरफ्तारी हुई, तो जयचंद कौन है ये तो उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि जयचंद का मतलब होता है कि हमारे ही घर से किसी ने गद्दारी करी है, जयचंद का यही अर्थ होता है ना, घर का भेदी। बिल्कुल, तो आखिर क्या पार्टी के लोग ही उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है वो लोग जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? ये उनको पहले भी बताना चाहिए था, आज वो कौन सा ऐसा खुलासा कर देंगे? और इसमें बीजेपी एक सवाल लगातार करती रही है, कल भी ये सवाल उठा था कि आपके तमाम करीबी जो हैं जेल में गए, तब आपने कोई खुलासा नहीं किया, जब आप हिरासत में हैं, आप गिरफ्तार हुए हैं, तभी आपको समझ में आया कि कोई ऐसा खुलासा करना चाहिए। क्या कोई तथ्य जो उनको पता था उसको अब तक उन्होंने इसलिए रखा था कि अपनी बारी आएगी तब उसको खोलेंगे? ये भी एक बीजेपी सवाल उठा रही है, अब लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे। घनेन्द्र जी आप इस पर उत्तर जरूर दीजिएगा। और देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांटे हैं पैम्फलेट, और 31 मार्च को महारैली में आने की अपील। 31 मार्च को रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, और पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो देखिए ये पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि रामलीला में पहुंचिए, जो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी साथ आने के लिए कहा गया है, कई लोगों ने, कई नेताओं ने इसमें समर्थन भी जताया है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी शालिनी की रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो यहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे आरटीओ मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिल्ली पुलिस देखिएगा किस तरह से यहां से हटा रही है, क्योंकि यहां पर धारा 144 लगी हुई है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहां से लोगों को दिल्ली पुलिस ने यहां से हटाया है, बातचीत भी करने की कोशिश कर रही है, सबको यहां से ले जाने के लिए यहां से सबको उठाया गया है। जहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे आईटीओ के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 पर, और ये पंपलेट बांट रहे थे लोगों के बीच में। महारैली जो होनी है 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में, उसको पंपलेट बांट रहे थे वो, और ये जो अपना बैनर नुमा पहन कर आए थे जिसमें लिखा हुआ था मैं भी केजरीवाल। और आप देखिए दिल्ली विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, दिल्ली पुलिस इनको यहां से गिरफ्तार कर रही है, इनको यहां से हटा रही है। देखिएगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ किस तरह से दिल्ली पुलिस इनको यहां से हटा रही है। ये देखिए कैसे यहां पर हम जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। यहाँ पर जब कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है वो तस्वीरें देखिए, और यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जो कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली पुलिस जो है उनको गाड़ी में ले गई कुछ लोगों को, और ये हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कैसे लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो तस्वीरें देखिए आप, वो तस्वीर देखिए लेकर जा रही है, और लोग कार्यकर्ता जो विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और उधर तम जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, सबको दिल्ली पुलिस यहाँ से हटा रही है। और ये जो महिला कार्यकर्ता थी वो भी प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी हटाने के लिए दिल्ली पुलिस पहुँची है और उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये आईटीओ मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 2 जहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे। और देखिए बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का कहना है कि घोटालों के बाद आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता जीरो हो चुकी है, तो वहीं आप नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इनकी विश्वसनीयता जीरो हो गई है, बचा ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, क्यों मुनाफाखोरी हुई, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें इजाज़त दी गई, क्यों नए नए जोन्स खोले गए, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, वो पुराना शेर है ना, तो इधर उधर की बात ना कर, तो बता कि कारवां क्यों लुटा। साफ है कि कल भी ईडी आके भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार की तरह
फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कस्टडी मांगेगा? ईडी कस्टडी नहीं मांगेगा तो सीबीआई कस्टडी मांगेगी। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हाईकोर्ट ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया है कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड और मैलाफाइड एक्शन दिखा रही है और इसको एग्जामिन करने की जरूरत है। तो बयानों का दौर लगातार चल रहा है। घनेन्द्र जी, सवाल आपसे ही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रह के सरकार चलाएंगे, ये आप लोगों ने एक स्टैंड लिया, ये किस आधार पे लिया? क्योंकि इसको लेकर एक चुनौती भी दी गई है। क्या दिल्ली के लोगों, दिल्ली के हित में नहीं होता कि फिलहाल कोई एक्टिंग सीएम बना दिया जाता? और अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई ऐसी, आप लोग तैयार हैं कोई नया सीएम ढूंढने के लिए? क्या तरीका होगा उसका? देखिए रवि, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 5 साल दिल्ली की सरकार चलाने का मैंडेट दिया और बहुत मजबूत मैंडेट है। 70 में से 62 सीटें दी थी दिल्ली के लोगों ने और कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार 5 साल चलाएंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए लगा के रोज देश के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है। नहीं, रोज ये बात आप देखिए, ये बात हमारे कार्यक्रम में आप जब भी आते हैं यही बात कहते हैं। मैंने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिल्ली के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है कि भाई दिल्ली को एक एक्टिव सीएम चाहिए जो बाहर रहे, जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे। अगर केजरीवाल जेल में है तो बाहर जो सरकार है वो ठीक से कैसे फंक्शन करेगी? इसका क्या फॉर्मूला या क्या मैजिक है आप लोगों के पास? दुनिया में हमने अभी तक नहीं देखा, आप इसको कैसे करने जा रहे हैं? रवि, पहली बात तो केजरीवाल जी जेल में नहीं है, केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में है। ठीक है, हाँ, और ठीक दूसरी बात, चलिए, देश में संविधान में कानून में कहीं नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। सर, बात केजरीवाल की नहीं है, बात है दिल्ली की जनता की, उनके हितों की। वो मुख्यमंत्री जो उनके सुख दुख में दिन रात उठे बैठे या कानूनी तौर से। रवि, अरविंद केजरीवाल जी जितने बाहर खतरनाक थे उससे ज्यादा कई खतरनाक वो ईडी की कस्टडी में। ईडी की, ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जितने खतरनाक बाहर नहीं थे उतने खतरनाक अंदर हैं। समझ रहे हैं हरीश खुराना साहब, इसका मतलब क्या है? और बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई कानून में पूरी छूट है, जब तक वो दोषी नहीं साबित हो जाते तब तक वो जेल से सरकार चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली के एलजी का एक बहुत सधा हुआ बयान हमने सुना जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने दी जाएगी, इसका क्या मतलब है हरीश जी? समीर, टेक्निकली आप कह सकते हो कि वो सरकार चला सकते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखिए ये फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। बार बार कई दस्तावेज जो होते हैं वो थोड़े सीक्रेट दस्तावेज होते हैं जो सीएम को एक्सेस होते हैं। अब बिना दिखाए हुए, बिना जेल अथॉरिटीज को दिखाए हुए या ईडी के अथॉरिटीज को दिखाए हुए आप सीएम के आगे नहीं रख सकते। वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन सवाल एक दूसरा भी उठता है, नहीं ये बात अलग है ना हरीश जी, थोड़ा सा इसी पर बात कर लें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिल्ली के एलजी कह रहे हैं जेल से नहीं चलने दी जाएगी दिल्ली की सरकार, इसका क्या मतलब है? क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए समीर भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था, दो चीजें इसके अंदर एस्पेक्ट में, एलजी की बात पे तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं याद करिए ये लोग क्या कहते थे कि अगर आपके ऊपर आरोप लगे ना तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, उसके बाद जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद पे आई तो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, ये है इन लोगों की वो। और एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ मेरे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं अपने पिताजी का, मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, 3 लाख रुपए का आरोप लगा था उनके ऊपर हवाला के जरिए, जो 3 लाख रुपए का आरोप मिनट से पहले ठोकर मार दी थी सीएमशिप को। इसलिए ये ज्ञान जो देते ना बहुत इतना आसान नहीं होता सीएम को रिजाइन करना। ये उदाहरण अब जो एलजी साहब ने हमने कही, देखिए वही मेरा कहना है, एलजी साहब इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक भी है दिल्ली के, वो एश्योर करेंगे कि कहीं ये बहुत एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वो बेहतर उत्तर बता पाएंगे। सर, जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर पद लेता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये पद और गोपनीयता की शपथ है, ये साफ साफ है। तो शंभुनाथ जी, अगर जेल से डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जेल के मैनुअल के हिसाब से वो चेक होंगे, क्या संविधान में उस शपथ का उल्लंघन नहीं होगा? और ऐसी स्थिति में संविधान में शपथ के प्रावधान की रक्षा करना किसका दायित्व है? रवि, निश्चित तौर पे ये संविधान का उल्लंघन ही माना जाएगा। अब कितना कहा जाए कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जेल से सरकार चलाने का कोई निषेध है, लेकिन इसके पहले एक लोकतंत्र में कुछ उदाहरण भी होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं। इसके पहले
बिहार में लालू जी जब जेल गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, उसी तरह अभी हेमंत सोरेन जी जब ईडी के गिरफ्तार किए गए तब भी उन्होंने बाकायदा इस्तीफा दे दिया था और एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ था। आम आदमी पार्टी का एक प्रचंड बहुमत है, उसका एक विधायक दल है, तो क्यों ना बेहतर रहे कि बजाय सुनीता जी जिस तरह उन्हें निर्देश दें कि आम आदमी पार्टी अपने एक विधायक मंडल से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे और वो फैसला करे। नहीं तो आपने आपने सुना ना घनेन्द्र जी को दो बातें कही कि चलेगी सरकार जेल से ही और जेल में और ज्यादा खतरनाक है। नहीं तो ये स्टैंड क्या बताता है? ये राजनीतिक समझ बताता है, ये लोकतांत्रिक पैटर्न बताता है या कुछ और बता रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा? ये और खतरनाक है, जितना खतरनाक वो बता रहे मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा खतरनाक है कि दिल्ली की जनता का जो मुख्यमंत्री सरकार चुनी उसका ही उल्लंघन है कि आप अपनी सरकार के अपने विधायकों पर भरोसा नहीं कर रहे, क्यों ना किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सुनीता जी के बजाय किसी को और को मुख्यमंत्री कुर्सी बिठाए। सुनीता जी तो अभी या तो घोषित कि सुनीता जी मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक है वही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तक ऐसी ना कोई घोषणा है ना इसके आसार जताए गए हैं पार्टी के किसी नेता की तरफ से। सिर्फ अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी करती हैं और बताती हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा है। अब एक और अहम खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक की तरफ से दरअसल एक बड़ा दावा किया गया। आम आदमी पार्टी विधायकों को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल, विधायकों को कहा जा रहा है जो चाहिए मिल जाएगा, विधायकों को धमकी नहीं आए तो खैर नहीं, बीजेपी देश के साथ धोखा कर रही है, ये कहा गया है संदीप पाठक की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी जब जब इस तरह के आरोप लगे जितेंद्र, बीजेपी ने कहा सबूत दीजिए, इस बार सबूतों के साथ आरोप लगाने वाली है पार्टी, ये माना जाए क्या? बिल्कुल, देखिए इस तरह से पहले भी है और एक बार इस मामले को लेकर सबूत रखे गए थे, लेकिन बहुत शुरुआत की बात है, लेकिन बाद में जो है सिर्फ बयान आए। अगर मैं बात करूं कल भी, देखिए आम आदमी पार्टी के जो तीन विधायक हैं पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है, और उसके ठीक थोड़ी देर बाद खबर यह आई कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं पंजाब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, साथ एक विधायक ने भी ज्वाइन कर ली। अब जो संदीप पाठक हैं आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, साथ ही संगठन मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया कि ऐसे बहुत सारे विधायकों को कॉल्स आ रही हैं, उन्हें धमकाया भी जा रहा है, उन्हें प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है कि आप आइए आपको सब कुछ मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप पहले भी लगाती रही है और देखिए वो आरोप फिर से एक बार सामने आ रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हरीश खुराना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश खुराना जी, इस पर एक रिएक्शन आपका, आखिर ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का फायदा आपकी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, इस पर जवाब भाई। समीर भाई, आम आदमी पार्टी के लोग रोज उठते हैं, सुबह उठते हैं और एक नई मनोहर कहानियां गढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मनोहर कहानियां बोलूंगा, पिछले 3-4 बार से बोल चुके हैं कि ऑपरेशन लूटस हो रहा है, ऑपरेशन लूट हो रहा है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं दिया। हमने तो उल्टा पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन भी की थी, याद करिए पुलिस कमिश्नर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे और कंप्लेन भी की थी कि नाम बताएं, ऐसा झूठा आरोप मत लगाएं, हिम्मत है तो नाम बताइए, किसका फोन आया था, किसको फोन किया, किसने फोन किया, जरा बताएं, लेकिन ये बता नहीं पाए। सवाल यही उठता है कि प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं असलियत क्या, असलियत ये था कि इनको लग रहा था आम आदमी पार्टी को कि अगर केजरीवाल अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी सिंपैथी मिलेगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इसी का मैं एग्जांपल 10 सेकंड और कल यादव सौरभ यादव ने कहा था कि मेरी आम आदमी अरविंद केजरीवाल की आज्ञा सड़कों पर, और जो हम सेशन बुला रहे हैं, क्या हुआ, 2.5 मिनट के अंदर सेशन खत्म कर दिया, ठीक है, कहां गई वो आज्ञा, ठीक है, कहां गई अरविंद केजरीवाल की, धनेंद्र जी, धनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के विधायक इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, धनेंद्र जी अपने कार्यक्रम के माध्यम से, समीर 10 सेकंड और दीजिए, मैं जो कंप्लीट करने, ठीक है, करी करी, कल आपने नोटिस किया होगा इनके 62 MLA हैं और जो विधानसभा के अंदर जब सेशन हुआ था 42 MLA थे सिर्फ, 42 20 कहां चले गए, इनको यही प्रॉब्लम है कि कहीं आम आदमी पार्टी के विधायक जो है वो अगर अरविंद केजरीवाल जेल में है तो इधर उधर ना भागते, सिर्फ यही प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब रिस्पॉन्ड ले लेते हैं घनेन्द्र जी, टीवी 9 भारतवर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह अवसर देता है, उन लोगों के नाम बताइए जो आपके विधायकों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मैं तो एकदम खुला आपको अवसर दे रहा हूं, आप पूरे देश को बताइए ना, अभी अभी बता दीजिए किस्सा खत्म हो जाएगा, ये लाजवाब हो जाएंगे। रवि रवि रवि
मुझे आप 60 सेकंड दो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ जेल से सरकार कैसे चलेगी वो थ्योरी बताता हूँ। इस देश में सर मेरे सवाल का पहले उत्तर दीजिए, उसका दे लीजिएगा। मैंने आपको कहा कि ये बड़ा गंभीर आरोप है कि फोन कॉल करके धमकी दी जा रही है। आप एकदम अपॉर्चुनिटी है, आप ये मत कहिए कि आपको मौका नहीं मिला। बताइए नाम TV9 भारतवर्ष को। कल हमारे पंजाब के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके नाम और टेलीफोन नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर करे हैं। अब भारत की सरकार को इनकी एजेंसी को उसकी जांच करनी चाहिए कि किसके नंबर है, किसने कॉल करा, कब कॉल करा। उन्होंने तो नंबर और नाम दोनों उजागर कर दिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पंजाब में आपकी सरकार है, आप जांच करा रहे हैं? पंजाब में आपकी सरकार है, आपने जांच कराई उसकी? मैं कह रहा हूँ, और उसके तुरंत बाद उसका इफेक्ट देखने को मिला ऑपरेशन लोटस का। हमारे MLA और सिटिंग MP को BJP ने तोड़ दिया, वो चले गए 25-25 करोड़ रुपए लेके भारतीय जनता पार्टी में। उसका एग्जांपल तुरंत सामने आ गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 5 मिनट बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सच्चाई सामने आ गई। हरी जी उत्तर दीजिए, हरी जी उत्तर दीजिए। चला गया ऑपरेशन हो गया। हरी जी का उत्तर सुन लीजिए। सर गजब लॉजिक है, देखिए पंजाब कह रहे हैं हमें नाम दिए, हमने भाई पंजाब में सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारे पास, CID तुम्हारे पास, अरे जाके गिरफ्तार करो ना। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला यार, मैंने अरे सब चाहिए होते ना हर बार सबूत, तुम्हें चाहिए होते हर बार अब सबूत दे दिया। नहीं हरीश जी, हरीश जी एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही जा रही है कि पंजाब में कल आम आदमी पार्टी के एक विधायक एक सांसद ने आपकी पार्टी यानी BJP ज्वाइन की है। घनेन्द्र जी कह रहे हैं उन्हें खरीदा गया है। ये कहते रहो मनोहर कहानियां गढ़ रहे हैं, खरीदा गया उनसे पूछ लीजिए कि कितने में खरीदा। कहिए सवाल ये है कि इनके सामने बताऊं मैं क्या, इनके लोग बताऊं मैं क्या, कभी इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? मैंने बीच में नहीं बोला। नरेंद्र जी आप जवाब तो देने दीजिए ना उनको। अरे भाई हमारे एक MP MLA तोड़ के चला गया, इनके पास 25-25 करोड़ नहीं बोला मैं। ठीक है, आपके आरोप सुन लिए हमने, समझ में आ गए सबके। हरीश जी उसी का जवाब दे रहे थे जी। हरीश जी, नरेंद्र जी का हालत देखिए, इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। वो कह रहे कि इनके विधायक बिकाऊंगे, मतलब जो व्यक्ति इनके साथ है, मतलब वो कह रहे कि बिकाऊंगे ले जाओ। गजब लॉजिक है यार, थोड़ा सोचा करो क्या बोल रहे हो, कि जब तक तुम्हारे साथ थे 25 करोड़ बिक गए वो, मतलब ऐसे लोगों को तुम्हें रखा हुआ था। गजब लॉजिक देते हैं, मुझे सवाल इसी बात का है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, हमने आरोप लगाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अरे भैया गिरफ्तार करो ना उस व्यक्ति को, सामने लाओ उस व्यक्ति को, कौन सा BJP का आदमी है, गजब लॉजिक देते हो। अरे बाबा पुलिस तुम्हारी है ना? जी एक सवाल इस पे बनता है। जो पार्टी ये कहती है कि भगत सिंह हमारे आदर्श है, हम तो सच्चाई के लिए ईमानदारी के लिए फांसी पर चढ़ जाएंगे, क्या किसी के फोन कॉल से डर के वो पार्टी ही छोड़ देगी, विचारधारा ही छोड़ देगी, रास्ता बदल देगी? ऐसे नेता है क्या पार्टी में? क्या ऐसा इंप्रेशन चला जाएगा आम आदमी पार्टी अगर ये एलिगेशन लगातार लगाती रही तो? देखिए रवि, हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद केजरीवाल लोहे के बने हुए। आपसे नहीं है, आपसे नहीं है सर, शंभुनाथ जी से है कि इससे इंप्रेशन क्या जा रहा है, ये सवाल यही था, क्योंकि हो तो यही रहा दरअसल। देखिए आम आदमी जब पार्टी जब बनी थी तो बहुत सारे उन्होंने आदर्श गढ़े थे, उनमें एक ही था कि अब जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक तरफ संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगती है, दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह की लगती है, तो कम से कम इन दोनों के आदर्शों पर तो चलना चाहिए। आदर्श का मतलब अगर आपको लगता है कि आपके विधायक फोड़े जा रहे हैं, तो पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है। हम दिल्ली मान सकते हैं कि दिल्ली में पुलिस आपकी नहीं है, हो सकता है पुलिस के अधिकारी आपकी बात ना सुनते हो, माना जा सकता है, लेकिन पंजाब में तो ऐसा संभव नहीं है। पंजाब में तो पुलिस आपकी है, तो उनको जांच करानी चाहिए अपने स्तर पे, और अगर ये आरोप है तो यहाँ बताना चाहिए पुलिस में, रिपोर्ट नहीं, अगर उनको लगता है पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो यहाँ बताएं तो सही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस को बताएं। अब इतना मीडिया इस तरह नहीं, अजीब बात हो गई कि आपकी सरकार की पुलिस ही आपकी रिपोर्ट ना लिखे। भाई पंजाब में FIR लॉन्च की जा सकती है, जांच की जा सकती है, कमीशन बिठाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस बीच गोवा के आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गोवा के 4 बड़े नेताओं को जारी किया है समन। ईडी ने समन जारी कर आज पेशी के लिए बुलाया है। तो गोवा में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही। और विवेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विवेक क्या जानकारी मिल रही है, और गोवा के आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त ईडी के रडार पर नजर आ रहे हैं, क्या कनेक्शन जुड़ता दिखता है?
देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता जो गोवा के हैं वो ईडी की रेडार पे है और ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। जिस तरह से बताया गया कि 45 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव के दौरान गोवा में दिए गए थे, तो उसको लेकर सवाल जवाब जो है वो ईडी करना चाहती है। तो लगातार इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सूत्र बताते हैं कि पूछताछ की गई थी, लेकिन ये भी ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज उन्हें राजावनी कोर्ट में 6 दिन की कस्टडी के बाद पेश किया जाएगा और एक बार फिर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि ईडी कोर्ट में बताएगी कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, इसके चलते ठीक है बिल्कुल तो लेने हैं। इसी के चलते सबकी नजरें रहेंगी राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ, आपके पास भी हम लौटते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका, जीत भाटिया हमारे साथ जुड़े थे उनका भी, और हमारे मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शराब घोटाले का पैसा है कहां, अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा कोर्ट के सामने करेंगे। अंदर हूँ या बाहर, अरविंद केजरीवाल फर्जी ऑर्डर के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल निर्माण हुए हैं, तो ये कट्टर बेशर्मी का एक प्रदर्शन आज फिर से कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। जहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर, और ऐसे में किया है कि केजरीवाल कोर्ट में आज बड़ा खुलासा करने वाले, और यह खुलासा वो पेशी के बाद करेंगे। यह दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आज ही केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही। जी हां, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक PIL पर बड़ी सुनवाई है। PIL में CM को पद से हटाने की मांग की गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कोर्ट में केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, क्या आज दिल्ली शराब घोटाले का सच सामने आएगा। इसी पर होगी बड़ी बहस, मेहमानों से करेंगे चर्चा भी, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी ब्रेकिंग बड़े अपडेट के साथ। कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी, आज केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। केजरीवाल कोर्ट में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया था, क्या होगा वो खुलासा, इस पर है निगाह। तो केजरीवाल आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल ने यह बात कही थी और सबकी नजरें इसी बात पर है कि क्या वो बड़ी बात केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले में कही जा सकती है। हमारी यहां रेडमारी मात 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। तो देखिए, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कल जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे। आज का दिन मुकर्रर किया गया इस खुलासे के लिए, ऐसा सुनीता केजरीवाल का दावा है। रिमांड के आखिरी दिन क्या खुलासा करने वाले हैं केजरीवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज कोर्ट में बड़े खुलासे की बात की गई है सुनीता केजरीवाल की तरफ से। ये खुलासा कैसा होगा, कैसे किया जाएगा, इस पर कई सवाल हैं। सुनीता का दावा, घोटाले का पैसा कहां है, इसकी जानकारी देंगे। मनी ट्रेल जिसका जिक्र लगातार ईडी की तरफ से भी किया जा रहा है, मुमकिन है उससे जुड़ा कोई बड़ा दावा आज सामने आए। ईडी रिमांड में अरविंद केजरीवाल का आज 7वां दिन है। बिल्कुल, और आज रिमांड वैसे खत्म हो रही है, इस पर भी नजर रहेगी। ईडी रिमांड खत्म होने पर केजरीवाल की पेशी होगी आज, तो अदालत की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में है पेशी, तो इस पेशी पर हमारी नजर रहेगी। एक एक अपडेट आप तक हम देंगे कि कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चलती है। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, हमारे सहयोगी तो हमारे साथ है ही, जितेंद्र भाटी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है, उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त विवेक शर्मा भी ईडी ऑफिस से जुड़े हुए,
हुए हैं, साथ ही हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंभुनाथ शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख करते विवेक शर्मा के पास चलते हैं। विवेक, आज ईडी में क्या हलचल होगी? बात की जाए तो 6 दिन की कस्टडी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को रावजनी कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। उनको 6 दिन की 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, 22 तारीख को रावजनी कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 6 दिन की कस्टडी ईडी को मिली थी। तो अभी ईडी ऑफिस के अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। जो भी ईडी को सबूत मिले थे उसके आधार पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई थी और कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर ईडी कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में बिल्कुल विवेक तो ईडी अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या हो सकता है, जितेंद्र भाटी, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दावा कर दिया है सुनीता केजरीवाल ने कि आज कोर्ट के अंदर बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? बिल्कुल देखिए, आज जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा तो ईडी को तो यह बताना ही होगा कि पिछले दिनों जो रिमांड थी उनकी, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 28 मार्च तक की, उसके बीच क्या उनसे पूछताछ की गई, आगे रिमांड चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपनी तरफ से खुलासा करेंगे। खुलासा इस बात को लेकर के है, जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि कोर्ट के आदेश